एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आई मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज की इस वीडियो में, या बोल सकते हैं आज की इस क्लास में, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिस टेक्नोलॉजी की डिमांड लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती है। मीन्स वो चाहते हैं कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, या हम जो नई हायरिंग करेंगे, जो नए इंजीनियर्स हायर करेंगे, वो एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट इंटून सर्विस के बारे में उनको अच्छा खासा आइडिया हो। सो टीच मी क्लाउड हमेशा से कोशिश करता है कि आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करें। हम कोशिश करते हैं कि आपको जेन्युइन टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड करें, जेन्युइन कंटेंट पे वीडियो प्रोवाइड करें। और वो जितने भी वीडियोस हमारी रहती हैं, यू नो दैट 100% लाइव प्रैक्टिकल रहता है, उसमें कोई भी स्टेप हम मिस नहीं करते हैं, या कोई भी पीपीटी का ज़्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि अगर आप एज ए आईटी इंजीनियर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा एजेंडा हमारा यही रहता है कि वी शुड नो अबाउट द प्रोसीजर। किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, किसी भी सर्विस को ट्रबल शूट करना, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए सिस्टम एडमिन। सो एज इट इज, एक और पॉइंट हम ऐड करने वाले हैं क्वालिटी प्रोडक्ट में, क्वालिटी कंटेंट में। आई एम गिविंग यू द एंटायर कोर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून इन सिंगल वीडियो। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लाइक बेस क्या होता है इंट्यून का, इंट्यून पे सेटअप कैसे तैयार करते हैं, जीरो मीन्स अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपको सर्वर का आइडिया है, आपको नेटवर्किंग आपको पता है, बट यू डोंट नो अबाउट कि इंट्यून क्या होता है, तब भी हम ऐसी कोशिश करेंगे कि इस कंटेंट से आप बिल्कुल एमएस इंट्यून फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, या फर्स्ट टाइम समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो, एक सिंगल वीडियो आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टीच मी क्लाउड को सपोर्ट करिए, टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हाँ, प्लीज ये वीडियो आप डाउनलोड नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो दैट एक सिंगल वीडियो क्रिएट करने में, 10 से 15 मिनट की वीडियो क्रिएट करने में हमें 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। थिंक अबाउट, अगर हम ये 2 घंटे की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्यून है क्या, प्रीरिक्विजिट्स क्या होती हैं, और साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे अपना कि किस तरीके से सेटअप करते हैं। टोटल प्रैक्टिकल बेस ये ट्रेनिंग रहेगी, टोटल प्रैक्टिकल बेस ये क्लास रहेगी। मीन्स आफ्टर द क्लास अगर आपने कंप्लीट किए, और उसके बाद अगर खुद से इंप्लीमेंट करेंगे, तो यू फील लाइक कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पे हमें बहुत आता है। मीन्स आप फील करोगे इस वीडियो के बाद, देखने के बाद और इंप्लीमेंट करने के बाद, यू रियलाइज कि ठीक है, हम इंट्यून को अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, इतना आइडिया तो हो ही गया है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रीरिक्विजिट, और उसके बाद फिर हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलेंगे और बातें करेंगे अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अभी हम आ गए हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पे, राइट, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून ऑनलाइन क्लास की। दिस इज द यूट्यूब क्लास, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून यूट्यूब क्लास। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एमएस इंट्यून यूट्यूब क्लास। ठीक है, ये हमारा एजेंडा है बेसिकली, और इसमें हम कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, कोई पार्ट में नहीं जाएगा, ताकि आपको भी बेनिफिट होगी। एक बार वीडियो ऑन किया और कंप्लीट करके कोर्स 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में, जैसे आपके पास सुटेबल टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम दीजिए और प्रिपेयर करिए अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एक्सपर्ट बनने की कोशिश करना है हमें। अब कोशिश करते हैं समझने की कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है क्या और कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून जैसे अपने पास अदर सर्विसेज है, जैसे ऑफिस 365 है, AWS है, Azure है, गूगल क्लाउड है, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का एक प्लेटफॉर्म है। जब आप endpoint.microsoft.com ओपन करेंगे, तो ये आपको एक विजार्ड ओपन करेगा जहां से आप अपने ऑन प्रमाइसेस की सर्विसेज को कंट्रोल करेंगे। ये अपना यूआरएल होगा, जिस यूआरएल के जरिए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल को लॉगिन करेंगे। अब बात करते हैं इसका यूसेज क्या है। यूसेज की बात करें तो बहुत सारे यूसेज है। ये आपका ऑन प्रमाइसेस डिवाइस है, लैपटॉप हो गया आपका, ठीक है, आपका ये डेस्कटॉप भी हो सकता है, ये आपने डेस्कटॉप एस्टैब्लिश कर रखा है ऑन प्रमाइसेस, ये बेस मशीन, फिजिकल मशीन की बात नहीं कर रहे हैं। एंड आपका टैबलेट हो सकता है, ये आईपैड हो सकता है, आपका आईफोन हो सकता है, राइट, और या फिर आपने एंड्रॉयड फोन आपका है।
सो ये तो प्लेटफॉर्म की बात हो गई, डेस्कटॉप आईपैड हो गया आपका, आईफोन की भी बात कर लेते हैं और आपका एंड्रॉयड फोन है। ये डिवाइसेस हैं जो ऑन प्रमाइसेस पे अपने पास हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। अब इन सभी डिवाइसेस को हम माइक्रोसॉफ्ट इनट्यून पोर्टल से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। जितनी भी डिवाइसेस आप देख रहे हैं ना, इन सभी डिवाइसेस को हम इनट्यून पोर्टल पे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनरोल्ड करना। हम क्या कर सकते हैं, डिवाइसेस को इनरोल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू इनरोल द डिवाइसेस। कंपनी क्यों चाहेगी कि उसका सिस्टम ऑन प्रमाइसेस का डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल फोन इनट्यून के पोर्टल से इनरोल हो या इनट्यून के पोर्टल से कनेक्टिविटी हो उसकी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसको समझने के लिए। एन नंबर ऑफ पार्ट्स, एन नंबर ऑफ रीजन है। सबसे पहला सिक्योरिटी, दूसरा है ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तीसरा है फेल ओवर, चौथा है अपडेट एंड कंट्रोल, पांचवा नंबर कंट्रोल। आप अपने ऑन प्रमाइसेस डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है उसको ऑथराइज करना है, इंडियन पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। डिवाइस का लोकेशन जानना, उस पर सिक्योरिटी लगाना, उसका फेलओवर क्रिएट करना, बिट लॉकर के कीज को सेव करना, ये सारी एक्टिविटी हम माइक्रोसॉफ्ट इनट्यून पोर्टल से कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इनट्यून ऑन प्रमाइसेस पे जो वर्चुअल मशीन, फिजिकल मशीन या डिवाइसेस अवेलेबल है, उन डिवाइसेस को पोर्टल के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है प्रॉपर तरीके से। दिस इज द एजेंडा बेसिकली, ठीक है। ये तो बात हो गई इनट्यून के टास्क की। जैसे आप बात करते हैं सर्वर की, तो सर्वर की केस में क्या होता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप क्या करते हो, अपने क्लाइंट मशीन को कंट्रोल करते हो, एडी इंस्टॉल करते हो, डीएससीपी इंस्टॉल करते हो, डीएनएस इंस्टॉल करते हो, है ना। बहुत सारी सर्विसेज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं। उसी तरीके से इनट्यून को भी आप एक ऑनलाइन पोर्टल मानेंगे, डेफिनेटली इट्स ऑनलाइन पोर्टल, ये कोई सॉफ्टवेयर या टूल नहीं है। या ऑनलाइन आप URL ओपन करेंगे और उस पर एक सब्सक्रिप्शन वगैरह के, लाइसेंस वगैरह की बात करेंगे आगे चल के, एक एक स्टेप पे डिस्कशन होगा हमारा। तो उम्मीद है कि आपको इनट्यून के बारे में आइडिया आ गया होगा कि इनट्यून किस तरीके से काम करता है। और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं और दो पॉइंट पे। इफ एवरीथिंग इज ओके देन वी कैन प्रोसीड फॉर अनदर स्टेप। इनट्यून में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए जाते हैं, वो है MDM और MAM, ठीक है। MDM और MAM ये क्या होते हैं। MDM का मतलब होता है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। और MAM का क्या मतलब होता है, ये MDM का मतलब हो गया और MAM का मतलब होता है मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब एज पर द नेम सजेस्ट, MDM एंड MAM दोनों की अगर हम बात करें, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब आपने डिवाइस को इनरोल किया, आपकी डिवाइस किसी भी पार्ट में हो, किसी भी स्टेटस में हो, वर्क ग्रुप का मेंबर हो, डोमेन का मेंबर हो, एडमिन से लॉग इन किया, डोमेन के यूजर से लॉग इन किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने डिवाइस पे इंप्लीमेंट किया, अगर आपने डिवाइस को कंट्रोल करना है, तो आपका सिस्टम वर्क ग्रुप या डोमेन किसी भी पार्ट का मेंबर हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, तो जो उस पर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं, उन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को आसानी से आप कंट्रोल और मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई बात MDM एंड MAM की। हम इन्हीं दोनों पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और इन्हीं पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंट्रोल और मैनेज करते हो, क्लियर। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। ये तो बेसिक सी बात हो गई इनट्यून को समझने की। अब अगर हम प्रीरिक्विजिट्स की बात करें, ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या है। पहला हम बोल सकते हैं इसको इंट्रोडक्शन ऑफ, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इनट्यून, राइट। इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इनट्यून। उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
केयरफुली तरीके से समझने की कोशिश करिए। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्यून, प्रीरिक्विजिट बाद में दूसरे नंबर पे हम बात डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्यून मींस जो इंट्यून का पैनल है या इंट्यून की सर्विस है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। बहुत सारी प्रीरिक्विजिट्स हैं, प्रीरिक्विजिट को हम सेपरेट बताने वाले हैं, पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। इंट्यून सर्विस को यूज करने के लिए दो जगह पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दो जगह पे आप लाइसेंसेस ले सकते हैं, ये कॉमन नहीं है, मीन्स दो में से कोई एक। लेट मी शो यू, यहां पे हमने तीन बॉक्सेस बनाए। इंट्यून की सर्विसेज को यूज करने के लिए आप एज्योर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है, एज्योर सब्सक्रिप्शन से काम चल जाएगा, या फिर ऑफिस 365 का लाइसेंस। या तो आपके पास सब्सक्रिप्शन हो एज्योर का, या फिर आपके पास ऑफिस 365 का आप लाइसेंस परचेज कर लीजिए। ये अपना एमएस इंट्यून, ये अलग पोर्टल रहेगा, ठीक है, ये अपना एमएस इंट्यून का अलग पोर्टल रहेगा। ये दोनों ऑप्शनल हैं, ठीक है, या तो आप एज्योर पे जाएंगे या फिर आप ऑफिस 365 पे जाएंगे, क्लियर। एज्योर पे भी आपको फ्री ट्रायल मिलता है, बट आपको क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ेगा। आप इसमें कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लाइक एज फ्री ट्रायल, पे एज यू गो, और तीसरा है अपने पास एमएसडीएन। इनमें से कोई से भी सब्सक्रिप्शन होगा आपका काम चल जाएगा। एज इट इज ऑफिस 365 में यू नो दैट F3 लाइसेंस जो होता है वो फ्री होता है, E5 लाइसेंस होता है, ठीक है, और भी अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, E5 हो गया, बिजनेस प्रीमियम हो गया, ये लाइसेंसेस आपको कहां पे लेने पड़ेंगे इन केस ऑफ ऑफिस 365। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों ही पैनल आपको एज्योर AD का ऑप्शन देते हैं। रिमेंबर, आपको ऑफिस 365 पे भी एज्योर AD देखने को मिला होगा और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे भी एज्योर AD दिखने को मिला होगा। होता क्या है, एज्योर AD से जो यूजर्स क्रिएट करते हैं ना, इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है इन दोनों पार्ट को, इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि ये ऑप्शन आपको यूजर्स क्रिएट करने का ऑप्शन देते हैं। आप हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकते हो, राइट, वी कैन डू दैट। अब जो यूजर्स आप क्रिएट करोगे वो यूजर्स आपके कहां पे जाएंगे, इंट्यून पोर्टल पे। लाइसेंस कौन देगा आपका, ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का पोर्टल, इन दोनों में से कहीं से भी आप AD का लाइसेंस पा जाएंगे। अब इन यूजर की मदद से जो ऑन प्रमाइसेस अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, कि ऑन प्रमाइसेस के केस में हम अपने लैपटॉप को, अपने डेस्कटॉप को, राइट, अपने मोबाइल फोन को हम क्या कर सकते हैं, या टैबलेट को इनरोल कर सकते हैं। तो इनको इनरोल करने के लिए आपके ये AD के यूजर ही पिक्चर में आते हैं। इन्हीं AD यूजर के जरिए आप अपने ऑन प्रमाइसेस के डिवाइसेस इनरोल ऑन प्रेम डिवाइस यूजिंग किसके थ्रू, एज्योर AD यूजर्स, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के जरिए हम क्या करते हैं, अपने ऑन प्रमाइसेस के डिवाइसेस को इनरोल करने का काम करते हैं। ये बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसको हैंडल करना है। इनमें से दो और है, बीच में हम और लिख देते हैं, या तो एज्योर या तो ऑफिस 365। इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल एज्योर पे रहेंगे तभी हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा। आई विल शो यू द स्टेप, फ्री में बिल्कुल कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे ऑफिस 365 पे F3 लाइसेंस लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना क्रेडिट डेबिट कार्ड के। एक महीने 30 डेज तक के लिए हमारे पास सभी लाइसेंस मिल जाएंगे, AD के भी लाइसेंस मिल जाएंगे और अपने ऑफिस 365 के लाइसेंस, मीन्स एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा आपको प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस परफॉर्म करने के लिए। कहीं पे कोई क्रेडिट कार्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट जिसमें हमने बातें की किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्यून। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब हम बात करने वाले हैं तीसरा नंबर, तीसरा पॉइंट पे क्या है, तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं विच इज रियली इंपॉर्टेंट, प्री रिक्विजिट आर मिनिमम रिक्वायरमेंट, प्री रिक्विजिट
टू सेट अप इनट्यून। ठीक है, अगर आप इनट्यून का सेटअप बनाना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी पर्पज हो सकता है आपका, अगर आप इनट्यून का सेटअप बनाना चाहते हैं तो उसकी प्रीरिक्विजिट क्या होगी वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहले डिस्कस किया हमने, प्रीरिक्विजिट में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सब्सक्रिप्शन, एनी सब्सक्रिप्शन, कोई सा भी हो सकता है, या फिर इसी में हम ऐड कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। यस, ऑफिस 365 का लाइसेंस, कोई सा भी लाइसेंस हो सकता है। ये पहला प्रीरिक्विजिट हो गया। नंबर दो, आपको Azure AD की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। Azure AD में क्या क्या चीजें आएंगी? Azure AD के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, लाइक एज यूजर्स, कस्टम डोमेन, ठीक है, ग्रुप्स, AD लाइसेंस, ठीक है, AD लाइसेंसेस, और इसी पार्ट में हम ऐड करेंगे कुछ और पॉइंट। नंबर तीसरे पे आएंगे, Azure AD Join एंड AD Connect, ये दोनों ऑप्शन आपको अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए। ये प्रीरिक्विजिट में है अभी हम लोग। नंबर चार, इनेबल Azure AD लाइसेंस। लाइसेंस कौन सा होगा हम प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी थोड़ा सा डाउट रहेगा आपको, समझ में नहीं आएगा। पांचवा नंबर, जाहिर सी बात है, एंड पॉइंट डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम का पोर्टल, सिंपल। ये हो गई बातें प्रीरिक्विजिट्स की, मींस अगर आप अपना सेटअप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, Azure इंटीन सर्विस मैनेज करना चाहते हैं, दीज आल आर द ऑप्शंस दैट वी नीड टू नो अबाउट प्रॉपरली। उम्मीद है कि यहां तक जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस किया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, कहीं ना कहीं से रिप्लाई आएगा ही, 100% आपको हर जगह से रिप्लाई आएगा, नो वरी। चलिए, ये हो गई प्रीरिक्विजिट। अब बात करते हैं सेटअप लैब फॉर इनट्यून। अब हमें क्या करना है, इनट्यून के लिए अपना लैब सेटअप करना है, तभी हम ऑन प्रमाइसेस की चीजों को मैनेज और कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे? इसके लिए सबसे पहले आप एक ईमेल आईडी बना लीजिए, ठीक है, फटाफट से आप एक ईमेल आईडी बना लीजिए जीमेल पे, पुरानी भी चलेगी, बट अगर नहीं बना लोगे तो दिक्कत नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नंबर, क्रिएट ऑफिस 365। जैसा कि हमने बात किया था कि इनट्यून या ऑफिस 365 किसी पे भी आप मैनेज कर सकते हैं, राइट, किसी भी पोर्टल पे जा सकते हैं। क्रिएट ऑफिस 365 आर Azure अकाउंट विथ सब्सक्रिप्शन एंड लाइसेंस के साथ, वो मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, अभी लैपटॉप पे चलते हैं, मूव करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे प्रोसीजर के बारे में कैसे तैयार करेंगे। ये हो गया। तीसरे नंबर पे फिर पहले हम AD को मैनेज करेंगे, कॉन्फिगर Azure AD, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, कॉन्फिगर Azure AD, इसमें सारा पार्ट आ जाएगा, लाइसेंस कैसे इनेबल करते हैं और वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं, अभी थ्योरेटिकल हो गया इतना बहुत सारा, बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे थ्योरेटिकल पार्ट को, बट अभी जो टाइम है ना, अभी जो टाइम है अपने पास वो है प्रैक्टिकल का। हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, एक एक स्टेप देखते हैं कि कैसे आप अपने एनवायरमेंट को सेटअप करते हो, कैसे आप अपना इनट्यून का सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं। मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर ऑफिस कलीग।
चलिए अभी हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और एजेंडा हमने मेंशन कर दिया है कि क्या क्या हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। स्टार्टिंग में एक ईमेल आईडी हमने जस्ट अभी क्रिएट की है विद जीमेल। गूगल के प्लेटफॉर्म पे हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है, जीमेल आईडी क्रिएट कर ली है अभी जस्ट। और नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा कि हम एक ऑफिस 365 पे अपने आप को साइन अप करने वाले हैं बाय यूजिंग द सेम ईमेल एड्रेस, ताकि हम F3 का लाइसेंस एक्सेस कर सकें। F3 लाइसेंस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, मींस नो नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड। ये वो लाइसेंस है जिसमें बिना क्रेडिट या डेबिट कार्ड के हम अपने ऑफिस 365 की सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एजेंडा है। फिर उसके बाद एडी लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे ऑफिस 365 पे और हम आपको गाइड करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल हाउ इट्स लुक लाइक, कैसे वो दिखता है, कैसे हम उसकी सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आप सभी लोग रेडी हो गए होंगे, तो फटाफट से आप फॉलो करते चलो साथ साथ और कोई भी स्टेप मिस मत करना। अगर आपको इंट्यून एक्सपर्ट बनना है कंप्लीट, एक दिन में वीडियो नहीं खत्म हो रही, दो दिन लगाओ, तीन दिन लगाओ, बट पूरी वीडियो कंप्लीट करिए और 100% आप क्लास से बेटर यहाँ पे फीलिंग मिलेगी आपको कि क्लास से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। हम आ जाते हैं, एक इनकॉग्निटो विजर्ड ओपन किया और यहाँ पे ओपन करते हैं office.com। ठीक है ना, अब गूगल पे मेंशन कर दो या डायरेक्टली office.com, ध्यान रखना है लॉगिन पेज पे नहीं जाना है। ठीक है, तो चलो बेटर ये रहेगा कि हम गूगल पे गूगल ओपन करते हैं और यहाँ से फिर ऑफिस ओपन करते हैं। जस्ट टाइप ऑफिस लॉगिन पेज पे, क्योंकि अभी अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई ऑप्शन मिलेगा। चलिए इस पेज पे आना है आपको, ध्यान रखना है। आप चाहे तो URL कॉपी कर लो, URL मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो। चलिए यहाँ पे कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, सो व्हाट यू नीड टू डू, आप जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे, अंडर द प्रोडक्ट्स फॉर इंटरप्राइज पे, और इंटरप्राइज पे क्लिक करने के बाद ये आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पे आप क्लिक करेंगे सी प्लान्स एंड प्राइसिंग। और प्लान्स एंड प्राइसिंग के अंदर आप देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट 365 F3 प्लान। हम इसी प्लान की बात कर रहे थे जो हमें हमारे इंट्यून पोर्टल को सेटअप करने के में हमारी हेल्प करेगा। सी ऑल फ्रंट लाइन प्लान्स पे क्लिक करिए आप, एंड आफ्टर दैट इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन जहाँ से हम प्लान को परचेज करेंगे बिना किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। जैसे ही हम फ्रंट लाइन पे क्लिक करेंगे इट विल गिव अस ऑप्शन ट्राई फॉर फ्री, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ट्राई फॉर फ्री। 315 समथिंग के आसपास का ये पड़ता है पर यूजर पर मंथ, बट अगर आप फ्री एक महीने तक आप फ्री में यूज कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट दूसरी मेल आईडी चेंज करिए और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हमने जो ईमेल क्रिएट किया है वो है बेसिकली teachmecloud88@gmail.com, तो सेम ईमेल आईडी हम यूज कर लेते हैं, teachmecloud88@gmail.com। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस हमने जस्ट अभी क्रिएट किया है, इसकी मदद से हम साइन अप करना चाहते हैं। सेटअप अकाउंट पे क्लिक करेंगे, नाम दे दीजिए टीच मी क्लाउड, ऑप्शनल है टीच मी क्लाउड, बिजनेस नंबर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ेगा, कंपनी नेम टीच मी क्लाउड, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन दे दीजिए, एम्प्लॉय कितने हैं उनकी इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज ओके, क्लिक नेक्स्ट। टेक्स्ट और कॉल, तो आप वेरिफिकेशन के लिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर जो मेंशन किया है वो पास में रखेंगे, क्योंकि ये कोड भेजेगा और इसी कोड के थ्रू हमें अप्रूवल मिलेगा 672167। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद अगला स्टेप है पासवर्ड का, आप यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए जो भी आप पासवर्ड यूज करना चाहते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये अगले पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एड्रेस एंड कंफर्मेशन डिटेल्स,
ठीक है, ये ऐसा लाइसेंस है ऑफिस 365 का जिसमें हमें किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फर्स्ट नेम टीच मी, डू यू वांट टू मेक एनी चेंजेस, सर नेम क्लाउड, एड्रेस दे देते हैं, यहाँ पे सिटी मेंशन कर दो आप, अपना पोस्टल कोड, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए, सेव कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन को, सॉरी इंफॉर्मेशन को, एंड आफ्टर दैट इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज। पैन या टैन, ठीक है, यहां पे आप डिटेल मेंशन करेंगे एंड सेव द इंफॉर्मेशन। ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड, हमारा जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। जो एजेंडा है बिल्कुल हम लोग एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक ये पार्ट हो गया हमारा और ये पार्ट पे हैं हम लोग अभी लाइसेंस परचेज कर रहे हैं, राइट। डन, एवरीथिंग इज ओके, कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। ये आप देखिए, ये आपका मेल आईडी आ गया, टीच मी क्लाउड एट द रेट टीच मी क्लाउड 178.1microsoft.com। इसको हम सेव कर लेते हैं, राइट, क्योंकि बार बार हम भूल जाते हैं, तो हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि हम इसी आईडी के थ्रू अपने ऑफिस 365 पोर्टल को और साथ ही साथ अपने इनट्यून पोर्टल को लॉग इन करेंगे। एमएस ऑफिस अकाउंट, ठीक है, ये हम रख लेते हैं डेस्कटॉप पे। चलिए, ये मेल आईडी आपको मिल गई, असाइन हो गई। आई एम जस्ट गोइंग टू साइन इन, ऑफिस 365 के पोर्टल पे लॉग इन कर लेते हैं बाय यूजिंग द सेम ईमेल एड्रेस। आपको एडमिन पैनल असाइन हो चुका है ऑफिस 365 का, तो पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि इनट्यून को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जो एडी असाइन होगा वो इसी मेल आईडी पे, जो अभी हमने मेल आईडी हमें असाइन हुई है ना, इसी मेल आईडी पे आपको एज्योर एडी का एक्सेस मिलेगा। तो डेफिनेटली आप सेम एड्रेस जो अभी आपने कॉपी किया है उसी सेम एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे फॉर माइक्रोसॉफ्ट इनट्यून सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट इनट्यून की सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए सेम इस्तेमाल करेंगे। वी सक्सेसफुली लॉग इन अवर सेल्फ ओवर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑफिस 365 या एज्योर पोर्टल की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इनट्यून सर्विसेज को मैनेज करेंगे। तो हाउ वी कैन परफॉर्म द टास्क, एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप अपने इस ऑफिस 365 सेटअप को रेडी कर लो, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। फटाफट से गो टू एडमिन सेंटर पे जाएंगे हम लोग, और एडमिन सेंटर पे जाकर के, वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं इसमें, लाइक एज ऑफिस 365 के मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, लाइक एज आउटलुक एंड ऑल, सो बट हमारा जो एजेंडा है वो इनट्यून सर्विस मैनेज करने का। तो व्हाट यू नीड टू डू, आप सो ऑल सर्विसेज पे जाओगे और यहाँ पे देखो एज्योर एडी का पैनल दिखाई पड़ रहा है। हमें जो काम है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से स्टार्टिंग में, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफिस 365 की सर्विसेज को कैसे माइक्रोसॉफ्ट इनट्यून सर्विस के थ्रू कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ये हो गया अपने पास एडमिन सेंटर, ये हो गया अपने पास एज्योर एडी पैनल। हमने डिस्कस किया था कि इसी क्लास में, मीन्स क्लास तो हमारी पूरी 2-3 घंटे की बनने वाली है, तो अभी हम ये स्टेप बाय स्टेप टास्क परफॉर्म करेंगे। पहले हम आ जाते हैं यूजर्स पे। एडी का पैनल ओपन किया और आपने यूजर्स ओपन किया, एडी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, राइट। तो अभी आपने यूजर पे क्लिक किया और यूजर पे क्लिक करने के बाद ये आपको इन्फॉर्म करेगा हाउ मेनी यूजर्स आर अवेलेबल। आपका पर्सनल डोमेन है, किसी भी नेम से आपने डोमेन खरीद रखा है, उस डोमेन को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस अपनी क्लास में। चलिए, मीनवाइल अभी हम एक विजर्ड और ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इनट्यून डॉट
नॉट इंटून इन पॉइंट डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, ये हमारा URL होगा और इस URL के जरिए हम माइक्रोसॉफ्ट इंटून पोर्टल को लॉगिन करने वाले हैं। ठीक है, ये आ गए हम होम पेज पे और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ईमेल एड्रेस आपने ऑफिस 365 के लिए इस्तेमाल किया है, राइट, जो ये कॉमन मेल आईडी है teachmecloud@teachmecloud178.onmicrosoft.com, इसी मेल आईडी और पासवर्ड के जरिए आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंटून पोर्टल ओपन कर देंगे। आपने ये पोर्टल, दिस इज आवर पोर्टल एंड लेट मी शो यू हाउ इट्स लुक लाइक, ऑल सर्विसेज पे जाते हैं, इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, एंड पॉइंट, सिक्योरिटी, डिवाइसेज, ग्रुप्स, टेनेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर्स, ट्रबल शूटिंग, मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल। माइक्रोसॉफ्ट 365 एज एक्टिव, ओके, नया फीचर ऐड किया गया, तो ये सभी पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे एज यू रेडी डायरेक्टरी से, ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो एज यू रेडी में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं, एज यू रेडी में पहले हम यूजर और ग्रुप को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद यूजर ग्रुप कंप्लीट करने के बाद हम लोग मूव करेंगे एडी के लाइसेंसेस पे बारे में बात करेंगे। एडी लाइसेंसेस खत्म करने के बाद हम कस्टम डोमेन पे जाएंगे कि कैसे आप अपने डोमेन को अटैच कराओगे। डोमेन अटैच कराने के बाद एडी ज्वाइन, एडी कनेक्ट के बारे में डिस्कशन होगा और एडी कनेक्ट, एडी ज्वाइन कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे इंट्यून पे, इनरोलमेंट प्रोसेस पे। अलग अलग तरीके से इनरोलमेंट कर सकते हैं, तो वो सभी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट द ऑटो पायलट एंड जो अदर सर्विसेज होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी से। एडी का ये पैनल हमें दिखाई पड़ रहा है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी में हम क्या बात करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज्योर एडी फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंटून सर्विसेज। ठीक है, ये हमारा एजेंडा है, दिस इज आर एजेंडा, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एज्योर एडी मैनेजमेंट फॉर एमएस इंटून। एज्योर, ठीक है, एडी फॉर एमएस इंट्यून, क्योंकि इंट्यून की सर्विस को मैनेज करना और कंट्रोल करना, इंट्यून की सर्विस को समझना, उसके लिए आपके पास जो प्रीरिक्विजिट है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की होनी चाहिए, सॉरी एडी की कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, यूजर्स से, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स और एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। दो ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रैक्टिकली देखते हैं यूजर क्यों जरूरी है, ग्रुप क्यों रिक्वायर्ड होता है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एडी के पास जब आप एडी का पैनल ओपन करेंगे ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से, तो इट्स लुक लाइक दिस। आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, क्रिएट यूजर एंड इनवाइट एक्सटर्नल यूजर। अगर आप गेस्ट यूजर बनाना चाहते हैं, गेस्ट यूजर को ऐड करना चाहते हैं, तो इनवाइट एक्सटर्नल यूजर पे जाएंगे। अगर आप एक सिंगल यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, तो जस्ट नीड टू क्लिक हियर। अभी के लिए हम जो यूजर क्रिएट करेंगे वो एसोसिएटेड रहेगा ऑन microsoft.com से, बट आगे चल के हम अपना खुद का कस्टम डोमेन इसमें अटैच करने वाले हैं। टेलनेट नाम से एक यूजर तैयार करते हैं, दिस इज द टेलनेट यूजर, और डिस्प्ले नेम भी हम इसका टेलनेट ही रख देते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू प्रोसीड विद ऑटो जनरेट पासवर्ड, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद माई ऑन पासवर्ड। नेक्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट मेम्बर ऑफ एनी ग्रुप आर रोल, इसी भी कोई भी रोल या ग्रुप असाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल एक यूजर क्रिएट करते हैं। हमने एक क्या किया, यूजर क्रिएट किया विद नेम ऑफ टेलनेट विच इज एसोसिएटेड विद teachmecloud@teachmecloud178.onmicrosoft.com, क्लियर। अब आपका ये यूजर बन के रेडी हो गया। अब क्वेश्चन आता है क्यों जरूरत पड़ती है, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल पे जाओगे, यूजर्स पे जाओगे आप, क्योंकि टेनेंट आपका एक ही है, राइट, उसी टेनेंट से आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं, सेम टेनेंट से हमने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का पोर्टल भी लॉगिन किया है। अगर आप यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करते हो, ये इंट्यून का पैनल है, सी इंट्यून @endpoint.microsoft.com, अब देखिए टेलनेट यूजर यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यूजर्स जो हमने क्रिएट किए हैं या ग्रुप जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ पे हैं, बोथ आर अवेलेबल ऑन
O365 के पोर्टल पे। वो कहाँ पे अवेलेबल है? Office 365 के पैनल पे। और Office 365 का पैनल जो यूजर क्रिएट किया वो किससे एसोसिएटेड है? माइक्रोसॉफ्ट इनट्यून के पैनल से, इनट्यून के डैशबोर्ड से। उसी यूजर को हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हमने सिंक्रोनाइज नहीं किया। अब ऑन प्रमाइसिस पे हमने कुछ डिवाइसेस लगा रखी हैं। दिस इज आवर ऑन प्रमाइसिस लैपटॉप, या हमारा ये ऑन प्रमाइसिस का डेस्कटॉप है, ठीक है। वी वांटेड टू इनरोल दीज डिवाइसेस। हमें क्या करना है? इन डिवाइसेस को इनट्यून पोर्टल पे क्या करना है? इनरोल कराना है। दिस इज आवर एजेंडा जो हमने इनट्यून पे सीखना है, इनको इनरोल कराना है। तो कैसे होगा इनरोल? जो यूजर आपने यहां पे तैयार किया ना अभी टेलनेट के नाम से, इसी टेलनेट की मदद से, ठीक है, इसी टेलनेट यूजर की मदद से हम लोग अपने ऑन प्रमाइसिस की डिवाइस को, ऑन प्रमाइसिस के रिसोर्सेज को इनरोल करने वाले। उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ रही होगी। इसीलिए बोला जाता है कि एटलीस्ट आपके पास Office 365 या Azure का डैशबोर्ड यानी सब्सक्रिप्शन या लाइसेंस होना जरूरी है, ताकि आपको एक टेनेंट असाइन हो सके और टेनेंट के जरिए आप Azure AD की सर्विसेज को मैनेज कर सकें। क्लियर? ये अपने पास बेसिक सी रिक्वायरमेंट हुई। उम्मीद है कि अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। अब यूजर क्रिएट करने के भी मल्टीपल मेथड है, मल्टीपल तरीके हैं। न्यू यूजर हमने सेटअप किया और यहाँ पे हमने गेस्ट यूजर के बारे में भी देखा। अब आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड यूजर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। द मीनिंग ऑफ डाउनलोड, अगर आप इन यूजर की इंफॉर्मेशन, इनके एट्रीब्यूट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट करिए यूजर को और ये आपके यूजर को ऑन प्रमाइसिस पे CSV फाइल के फॉर्मेट में डाउनलोड करा देगा। कई बार जरूरत पड़ती है ऑन प्रमाइसिस पे, तो यू कैन डू दैट। अगला ऑप्शन है अपने पास बल्क ऑपरेशन। सो एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ बल्क ऑपरेशन इज बेसिकली आप बल्क में यूजर क्रिएट कर सकते हैं, बल्क में इनविटेशन सेंड कर सकते हैं और बल्क में डिलीट किया जा सकता है। बल्क यूजर क्रिएट करने के लिए आपको एक CSV फाइल डाउनलोड करनी है। CSV फाइल में जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद सेम फाइल को हम कर देंगे अपलोड। विद इन मिनट हम मल्टीपल यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बल्क यूजर क्रिएशन का फंडा। ये अपने पास CSV फाइल है, टेम्पलेट है, जिस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। ये CSV फाइल हमने ऑन प्रमाइसिस पे डाउनलोड कर लिया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डोमेन, कौन सा डोमेन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं यूजर को क्रिएट करने के लिए, तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? उसकी इंफॉर्मेशन आपको Azure AD के पैनल से मिल जाएगी, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन आपको Azure AD के पैनल से मिल जाएगी, विच इज, लेट मी शो यू, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि जो हमारा डोमेन है बाय डिफॉल्ट वाला वो कौन सा है? teachmecloud@teachmecloud178.onmicrosoft.com। ये आपका कंप्लीट डोमेन नेम है, ठीक है। ये अपने पास कंप्लीट हमारा डोमेन नेम है, क्योंकि आप देखिए टेलनेट आपने क्रिएट किया teachmecloud178.onmicrosoft.com, सॉरी, ये अपने पास एट द रेट के बाद teachmecloud, दिस वन इज आवर यूजर और इसके बाद जो है हमारा वो डोमेन नेम है teachmecloud178.onmicrosoft.com। ये CSV फाइल का फॉर्मेट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दो तीन यूजर क्रिएट करके देखते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दो से तीन यूजर के लिए स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तीन यूजर क्रिएट करते हैं। पहला यूजर हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं AWS के नाम से, कोई नहीं, GCP के नाम से बना लेते हैं क्योंकि ऑटो करेक्ट। और यहाँ पे फुल नेम आपको प्रोवाइड करना है। फुल नेम में क्या जाएगा? gcp@teachmecloud178.onmicrosoft.com, ठीक है, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। और लास्ट में इसके बाद पासवर्ड की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए।
इसको हम नो करेंगे। जीसीपी दूसरा एक हम क्रिएट करते हैं एज्योर के नाम से, एज्योर एट द रेट टीच मी क्लाउड 178 ऑन माइक्रोसॉफ्ट .com। ठीक है, पासवर्ड इसका भी प्रोवाइड कर देते हैं, सेमी पासवर्ड रख देते हैं और एक यूजर और बना लेते हैं आली बाबा के नाम से एट द रेट टीच मी क्लाउड 178.onmicrosoft.com। ठीक है, ये हमने सेटअप कर दिए, तीन दो तीन अकाउंट की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। चलिए अब इस सीट को ना CSV फॉर्मेट में ही सेव कर लो, तो एक्सपोर्ट में जाएंगे .csv फाइल में आपको डाउनलोड करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट सेव कर देते हैं इसको डेस्कटॉप पे बल्क यूजर्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हमने बल्क यूजर्स के नाम से सेव कर दिया। बैक टू द पोर्टल, बल्क ऑपरेशन पे, बल्क क्रिएट पे क्लिक करेंगे हम। डाउनलोड CSV हमने कर लिया है, एडिट कर लिया है, अब यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, बल्क यूजर्स, ये जस्ट फाइल हमने अभी तैयार की थी, राइट, टुडे सेवन समथिंग, ओपन करेंगे इस फाइल को, सक्सेसफुली अपलोडेड। अब आपको सबमिट कर देना है, डोमेन नेम सही होना चाहिए, डिस्प्ले नेम, यूजर नेम सही होना चाहिए, बल्क में जितने भी यूजर्स आप चाहते हैं, 249 की कैपेसिटी रहती है एट ए टाइम, 200 मीन्स 249 यूजर हम एक बार में क्रिएट कर सकते हैं CSV फाइल के जरिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप बल्क यूजर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मल्टीपल यूजर्स हमें क्रिएट करने पड़ सकते हैं। अब देखिए बल्क ऑपरेशन सक्सेसफुली अपलोडेड। अब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जितने भी यूजर आपने क्रिएट किए थे ना वहाँ पे ऑन प्रोमाइसिस पे अलीबाबा एजियो GCP ये तीनों नए यूजर विद इन सेकेंड आपके CSV फाइल के थ्रू क्रिएट हो गए। तो ये बात हो गई अपने पास किसकी, यूजर्स को मैनेज करने की, यूजर को क्रिएट करने की। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको स्टेप। ठीक है, अभी हमने बल्क में यूजर्स क्रिएट किए और इन यूजर्स की मदद से हम अपने ऑन प्रमाइसिस डिवाइसेस को इंट्यून पोर्टल के ऊपर इनरोल करने का काम करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं अभी। तो उम्मीद है ये बल्क ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एक और पार्ट पे। अगला जो पॉइंट है उसमें हम बात करने वाले हैं अपने यूजर्स के सिक्योरिटी के बारे में, राइट, कि हम अपने यूजर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे सिक्योर करते हैं। मल्टीपल यूजर्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, टेलनेट हो गया, GCP हो गया, Azure हो गया, अलीबाबा हो गया। अब जब हम यूजर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी शुड नो अबाउट द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA को इन्वॉल्व करना होता है, बिकॉज द MFA कैन हेल्प अस टू प्रोवाइड द एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, यूजर लॉग इन कोई भी बंदा कर सकता है, अगर उसको यूजर की इन्फॉर्मेशन मिल गई तो कोई भी बंदा पासवर्ड को एक तरीके से गेस कर सकता है या पासवर्ड को हैक कर सकता है। बट अगर आपके यूजर के पास, ठीक है, अगर आपने अपने यूजर को MFA प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, अगर आपने अपने यूजर को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रखा है तो एक एडिशनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है आपके यूजर्स के लिए, क्योंकि यूजर आईडी और पासवर्ड इनफ नहीं है किसी भी यूजर को प्रोटेक्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। MFA को हम बोलते हैं सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड पहले से था, यूजर नेम एंड पासवर्ड पहले से था अपने पास, बट एडिशनल सिक्योरिटी के केस में हम अपने मोबाइल फोन पे OTP मंगा सकते हैं, विद हेल्प ऑफ OTP हम मैनेज कर सकते हैं मोबाइल फोन OTP, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू जो QR कोड होता है उसे स्कैन करके हम मेंशन कर देंगे।
माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक है, ये दोनों मेथड है जो हमारे इन्वायरमेंट में एमएफए के टाइम पे काम आते हैं। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फिगर करने के लिए हमने मान लीजिए टेलनेट को डिसाइड किया। कॉपी करते हैं, पहले इसका पासवर्ड रीसेट कर दीजिए आप। सबसे पहला काम इसको पासवर्ड को रीसेट कर देते हैं। portal.office365। इट्स मैंडेटरी टू रीसेट द पासवर्ड जो यूज़र आपने क्रिएट किया। फर्स्ट लॉगिन पे आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो पासवर्ड आप मेंशन करते हैं या ऑफिस 365 जो अपनी तरफ से पासवर्ड जनरेट करके देता है ना, विच इज़ कंसिडर एज ए टेम्परेरी पासवर्ड, वो मैंडेटरी है कि आप पहले लॉगिन पे इसको रीसेट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो एजेंडा हम लोगों का क्लियर है कि वी आर प्लानिंग टू कॉन्फिगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ कि कैसे आप एमएफए इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको लॉगिन करा लिया है, पासवर्ड रीसेट कर लिया है, और बैक टू द एज्यूर एडी। एज्यूर एडी पे जाने के बाद एमएफए कॉन्फ़िगर करना है हमें। एमएफए कॉन्फ़िगर करने के लिए इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पर यूजर एमएफए, राइट। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन पर यूजर एमएफए। ये हमें रिडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे। जितने भी यूजर्स हैं सबकी लिस्ट आ गई। अगर आपको सभी के लिए एमएफए चाहिए तो पांचों यूजर, जितने भी यूजर्स हैं, 5 यूजर हैं, सबको सेलेक्ट किया, इनेबल कर दिया। विद इन सेकेंड सभी यूजर्स पे एमएफए एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप इंडिविजुअल यूजर पे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस सेलेक्टेड बटन पे, और इसको कर दिया हमने इनेबल। यहाँ का काम खत्म, एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर का टास्क कंप्लीट। अब बैक आ जाएंगे पोर्टल पे, मींस क्लाइंट, यू थिंक लाइक दिस इज द क्लाइंट कंप्यूटर, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे portal.office.com। ठीक है, portal.office.com पे जाएंगे, अपना जो यूजर है द यूजर नेम इज telnet@copy it again। यहाँ से हम यूजर को कॉपी कर लेते हैं, यूजर नेम को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और पेस्ट किया। जो पासवर्ड आपने रीसेट किया है वो पासवर्ड आप मेंशन करेंगे, और पासवर्ड मेंशन करते ही ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पे, जहाँ पे एमएफए आपको कॉन्फिगर करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जस्ट हमने क्या किया है, एमएफए अपने टेलनेट यूजर के लिए एक्टिवेट किया है, इनेबल किया है। एडमिनिस्ट्रेटर ने टेलनेट के यूज़र के लिए एमएफए कॉन्फ़िगर किया। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू जाना है, तो ये स्टेप आप नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें ओटीपी कॉन्फ़िगर करना पड़े, मोबाइल को ओटीपी आए, तो आप यहाँ पे फ़ोन सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, नंबर अपना मेंशन करेंगे जिस भी लोकेशन पे हैं आप। ठीक है, 91 यहाँ पे हमने मेंशन किया अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड सेंड। यू विल रिसीव अ ओटीपी, 6 डिजिट का कोड आपको मिलेगा। वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द कोड इंफॉर्मेशन 23941। ठीक है, और इसको करेंगे सेंड। वी जस्ट नीड टू प्रोसीड एंड डन। विद इन मिनट आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फिगर कर लिया। अब जितनी भी बारी आप इस टेलनेट यूज़र को लॉगिन करेंगे, आपको ओटीपी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको प्रोटेक्टेड कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गई बात मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। इसके साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ओटीपी काम करेगा। तो पासवर्ड हमें पता है, ठीक है, यूज़र नेम पता है, यूज़र आईडी पता है, और अगर हम साइन इन करते हैं तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के अलावा भी आपको एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए टेलनेट पे जाते हैं, और यहाँ पे हमने करेक्ट पासवर्ड मेंशन किया, जो पासवर्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले रीसेट किया। अब आप देखिए, आपने एमएफए कॉन्फ़िगर किया है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर 12 से एंड होता है। आपको एक कोड रिसीव होगा आपके रजिस्टर फ़ोन नंबर पे,
जब तक आप ये कोड मेंशन नहीं करेंगे वी आर अनेबल टू लॉग इन। उम्मीद है कि हमें फिर समझ में आ गया होगा। अगली पार्ट में स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। तो अब ये हो गया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का काम। अब क्लाइंट खुद से पासवर्ड को रीसेट करना चाहता है ना, समटाइम यू नो दैट कि एडमिन के पास उतना टाइम नहीं है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो आवर यूज़र इन द सेंस लाइक जो क्लाइंट है हमारा, जो एम्प्लॉय है, वो खुद से अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप SSPR की सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के नाम से, ठीक है। लेकिन सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के लिए अभी आप देखिए बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। एक्टिव डायरेक्टरी होम पेज पे आ जाएंगे, AD के होम पेज पे आ जाएंगे, Azure AD के होम पेज पे, और यहां पे आपने क्लिक करना है, सॉरी यूजर्स, द इंटायर यूजर्स दैट वी क्रिएटेड, ऑल यूजर्स पे जाएंगे। अंडर द यूजर्स वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन कॉल्ड पासवर्ड रीसेट, ठीक है ना। पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट पे। बट अनफॉर्चुनेटली सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट जो है वो आपका ब्लॉक्ड है। दिस फीचर इंक्लूड सेट ऑफ कैपेबिलिटी बट अनफॉर्चुनेटली ये क्या है अभी हाईलाइटेड नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू, इसकी प्रीरिक्विजिट है कि आप अपने इस पोर्टल पे जा करके एक लाइसेंस होता है, ठीक है, एक लाइसेंस होता है P2 लाइसेंस, जिसको हम एक्टिव डायरेक्टरी लाइसेंस के नाम से जानते हैं, उस AD लाइसेंस को आप क्या करेंगे, इनेबल कर देंगे। सो हाउ वी कैन डू दैट, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन बिलिंग देन लाइसेंसेस, देन ये अपने पास लाइसेंस के पैनल पे आ गए, ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, बिलिंग और लाइसेंसेज में ऑल प्रोडक्ट पे। अभी आप देखिए आपके पास केवल एक लाइसेंस है, वो भी ऑफिस 365 F3 लाइसेंस, जो ऑफिस 365 के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए किया जाता है। ट्राई या बाय पे क्लिक करेंगे, दो लाइसेंस मिलेंगे। अभी हम P2 के बारे में बात करने वाले हैं, E5 के बारे में बाद में बात करेंगे जब इनरोलमेंट स्टार्ट करेंगे। फ्री ट्रायल पे क्लिक किया और यहाँ पे हम कर दिए एक्टिवेट। एक्टिव करने के बाद ये लाइसेंस आपका अप्लीकेबल है कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए, 30 दिन तक के लिए आप अपने इस लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इसकी जो वैलिडिटी है वो 30 डेज के लिए, 30 दिन तक आप हम इस लाइसेंस का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। नंबर ऑफ लाइसेंसेस की बात करें तो 100 लाइसेंस आपको मिल जाते हैं इसमें, जो कि ह्यूज अमाउंट है। मीन्स एक प्रैक्टिकल के लिए, पर्सनल यूसेज के लिए, टेस्टिंग के लिए 100 लाइसेंसेस आर इनफ टू मैनेज। मीन्स एटलीस्ट प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए तो इनफ ही है। चलिए एक्टिव डायरेक्टरी प्रीमियम टू लाइसेंस आ गया। अब SSPR को समझते हैं कि SSPR काम कैसे करता है। पहली प्रीरिक्विजिट है कि जिस भी यूजर का SSPR कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उस यूजर का MFA एक्टिवेट होना चाहिए। दूसरी प्रीरिक्विजिट ये है कि प्रीमियम टू लाइसेंस, जो एक्टिव डायरेक्टरी का प्रीमियम टू लाइसेंस है, ये भी आपका हाईलाइट होना चाहिए। एवरीथिंग इज ओके। एक बार आ जाते हैं होम पेज पे, देन नीड टू क्लिक ऑन यूजर्स, ऑल यूजर्स पे जाएंगे एंड देन क्लिक पासवर्ड रीसेट। पासवर्ड रीसेट पे अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऑप्शन नहीं था SSPR का, बट अभी ये एक्टिवेट हो गया। नन है, सेलेक्टेड है एंड ऑल है, तीनों का मतलब समझते हैं। नन का मतलब है कि आपके इस एनवायरनमेंट में SSPR एक्टिव नहीं है। दूसरा सेलेक्टेड, जिसमें आप यूजर का सिलेक्शन नहीं कर सकते, यू आर ऑथराइज टू सेलेक्ट ओनली ग्रुप, मतलब आपके पास अगर एक ही सिंगल यूजर है तो उसको भी आपको ग्रुप में मेंशन करना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू असाइन द लाइसेंस टू यूजर। जितने भी यूजर्स हैं उनको हम ग्रुप में रखेंगे एंड देन वी आर एबल टू अप्लाई, या फिर आप अलाउ कर दो सभी के लिए, ऑल कर दीजिए। तो हमने ऑल कर दिया। अब ये क्या करेगा, हर एक यूजर के ऊपर SSPR एक्टिवेट कर देगा। बट जो अदर प्रीरिक्विजिट है SSPR की, जो अदर प्रीरिक्विजिट है वो है कि आपका यूजर मस्ट बी, जो यूजर्स है वो आपका must be contain the features of multi-factor authentication। तो हम ये अलाउ कर देते हैं सभी को, सेटिंग्स को कर देते हैं सेव। अब आपने जो यूजर MFA जिसको क्रिएट किया था उसी पे आप SSPR आपका कॉन्फिगर हो चुका है। MFA SSPR दोनों ही कॉमन और इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं।
जिसको हम बोलते हैं सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, जिसमें यूजर अपनी तरफ से खुद ही पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, ठीक है, इट विल सेव द टाइम और क्लाइंट अपनी तरफ से यूजर को भी कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से पासवर्ड रीसेट कर देगा। चलिए यहां से हो गया है सब कुछ, ओके सेव कर लिया हमने सेटिंग को एडमिन पैनल से। अब आप आ जाते हैं दूसरे पेज पे, वी जस्ट नीड टू साइन आउट और अनफॉर्चुनेटली वी फॉरगेट द पासवर्ड, यहाँ पे हम पासवर्ड भूल चुके हैं, ठीक है। तो हाउ यू कैन मैनेज द एनवायरनमेंट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन अवर अकाउंट अगेन, साइन इन पे क्लिक करो, बट अनफॉर्चुनेटली हम पासवर्ड जो है भूल चुके हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। SSPR एक्टिवेट होने के बाद फॉरगॉट माय पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आप, फॉरगॉट माय पासवर्ड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज। ये कैप्चा के इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी, S36 नेक्स्ट, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज, जहां से ये बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट वी नीड यू टू इंटर योर कंप्लीट मोबाइल नंबर, जो कि एंड हो रहा है 12 से। तो अगर आप ऑनर रहेंगे तो डेफिनेटली आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर पता होगा, आप वो कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे, आपको एक कोड आएगा, अगेन इट्स नॉट अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड, ये कोड बेसिकली कौन सा है, ये कोड है आपका SSPR का। ये हमने मेंशन किया और नेक्स्ट कर दिया। अगला पेज जो ओपन हुआ है ये आपको रीडायरेक्ट कर दिया कहां पे, पासवर्ड पे। आप यहां पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोई भी पासवर्ड मेंशन करेंगे वो आपके यूजर के लिए नया पासवर्ड बन जाएगा। यू शुड यूज द कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, है ना, तो लेट मी ट्राई, रिपीट नहीं करना है आपको पासवर्ड को। चलिए हमने पासवर्ड को रीसेट कर दिया बिना एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से, तो उम्मीद है यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। एक बार गो थ्रू कर लो जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए ना, और कंप्लीट करो, और कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो, पार्ट में कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट मेंशन करो, एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू। तो ये हो गया अपने पास SSPR की बात, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात, यूजर से रिलेटेड हमने लगभग सारा कुछ डिस्कस कर लिया यूजर से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हमारी हेल्प करता है टू मैनेज, ठीक है, और उस केस में हम बेसिकली बात करने वाले हैं डोमेन को ऐड करना, कैसे कस्टम डोमेन को आप ऐड करते हो उसके बारे में। तो अगर आपको कस्टम डोमेन ऐड करना है तो डेफिनेटली यू शुड परचेज द डोमेन, आपको एक डोमेन परचेज करके रखना पड़ेगा, GoDaddy.com से या अदर जो वेबसाइट है वहाँ से आप डोमेन परचेज कर लेंगे। तो अगला पॉइंट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, एड कस्टम डोमेन ऑन Azure AD। Azure AD में हम कस्टम डोमेन को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास AD का पैनल, और यहाँ पे हमारा हो गया, हमने यहाँ पे GoDaddy.com से परचेज किया है, ठीक है, और ये हो गया Azure AD, ठीक है, कोई सा भी पैनल हो, Azure AD आपने ऑफिस 365 से क्रिएट किया है या फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट Azure से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज रिलेटेड टू बोथ, मीन्स यू कैन मैनेज इट फ्रॉम बोथ। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपने डोमेन परचेज किया उस डोमेन को यहाँ पे ऐड करेंगे अपने, जो भी कंपनी नेम आपने परचेज किया उसके अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे जो डोमेन खरीदा है विच इज रिलेटेड टू teachmecloud.net, और इसी teachmecloud.net को हम अटैच करने वाले हैं अपने पोर्टल के साथ।
teachmecloud.net, ठीक है, ये हमारा जो मैंने जो godaddy.com से हमने परचेज किया। सो बैक टू एडमिन सेंटर, यहीं पे आप सेटिंग्स पे जाएंगे, अंडर द सेटिंग्स डोमेन नेम ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली अपना जो डोमेन है वो कौन सा है, teachmecloud178.onmicrosoft.com, विच इज नॉट रिलेटेड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। यू नो दैट कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन onmicrosoft.com का इस्तेमाल नहीं करेगी, तो यू शुड यूज योर ऑन डोमेन। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद माई ऑन डोमेन teachmecloud.net और इसको करेंगे ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद अब आप दो रिकेट मिलेंगे, TXT रिकेट मिलेगा, MX रिकेट मिलेगा। इन दोनों रिकेट को हम अपने इस लोकेशन पे GoDaddy के पोर्टल पे या GoDaddy के डैशबोर्ड पे इसको हम क्या करने वाले हैं, असाइन करने वाले हैं। तो हाउ वी कैन डू दैट, वी जस्ट नीड टू ओपन GoDaddy पोर्टल, GoDaddy.com, ठीक है, यहां पे साइन इन करो, जितने भी नंबर ऑफ डोमेन्स आपने परचेज कर रखे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप यहां से कलेक्ट कर सकते हो। तो लेट मी चेक द यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन थ्रू द कस्टमर आईडी, चलिए अभी हम यहाँ पे आ गए हैं GoDaddy.com के पोर्टल पे, एंड ओवर अ पोर्टल मल्टीपल डोमेन हमने परचेज किया है, लेकिन अभी हम जो अटैच करने वाले हैं वो है teachmecloud.net के नाम से। सो व्हाट यू नीड टू डू, अब देखिए teachmecloud में दो डोमेन है, इस नाम से दो डोमेन है, एक .net पे है, एक .in पे है। सो सेलेक्ट करेंगे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटैच अवर डोमेन जो .net से एसोसिएटेड है। So we just need to open the domain information, .in नहीं चाहिए हमें, we just wanted to configure .net. So you will find the another domain, number of domains पे क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया अपने पास, एक .in है, एक .net है, तो आप .net पे जाएंगे, manage DNS पे क्लिक करेंगे, ये हमें redirect करेगा उस पेज पे जहाँ पे हमें रिकेट को सेव करने हैं, राइट। तो अब आ गए हैं DNS रिकेट के पैनल पे, एग्जिस्टिंग विकेट को हम करते हैं डिलीट, अगर कोई एग्जिस्टिंग विकेट है ऑलरेडी इससे एसोसिएटेड तो प्लीज रिमूव इट। आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग विकेट को हमें डिलीट कर देना, बट मेक श्योर कि आपका डोमेन जो है किसी और पोर्टल से एसोसिएटेड ना हो। ऑल राइट, सो अभी ये अपने पास GoDaddy का डैशबोर्ड है जहाँ पे हमें रिकेट सेव करने हैं, और ये दो रिकेट है जिनकी हेल्प से हम अपने डोमेन को ऑथराइज करेंगे अपने Azure Active Directory के पोर्टल से। ये अपना कॉन्सेप्ट हुआ कस्टम डोमेन ऐड करने का, क्योंकि यू नो दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि जो उसके यूजर्स क्रिएट करें वो विद द हेल्प ऑफ आवर ऑन प्रमाइसेस, विद द हेल्प ऑफ आवर ऑन डोमेन के थ्रू हम इसको अटैच करें, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ये जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड, सॉरी Details of TXT and MX Ricket. TXT और MX Ricket हमें इस पैनल पे लाके सेव करना है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं, राइट। यू नो दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि उसके यूजर्स जो हैं अपने ही डोमेन में रहें, मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेम से एसोसिएटेड रहें। तो teachmecloud.net, दिस इज अवर ऑर्गेनाइजेशन, और कॉपी करते हैं, ऐड रिकेट पे चलते हैं, TXT पहला रिकेट है, TXT यहाँ पे पेस्ट करते हैं वैल्यू, और ये ऑप्शन जो है यहाँ पे हम ऐट द रेट सेलेक्शन करेंगे,
कस्टम में जाकर के 3600 ये आपका डिफॉल्ट TTL कहलाता है, ठीक है। आप इसको सेव करिए, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में MX रिकेट है हमारे, जो MX रिकेट की वैल्यू है उस MX रिकेट की वैल्यू को कॉपी करेंगे, एड रिकेट पे जाएंगे अगेन, इस बार MX रिकेट सेलेक्ट करेंगे एज ए रिकेट और सेम TTL की वैल्यू जो है 3600 ही हम रखेंगे। नेम के केस में एट द रेट और प्रायोरिटी, MX रिकेट में एक ऑप्शन और है यहाँ पे, प्रायोरिटी कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन को सेव करिए। सेव करने के बाद विल बैक टू द Azure AD पैनल और वहाँ से हम इसको अप्रूवल के लिए प्रोसीड कर देते हैं। वेरीफाइड पे क्लिक करिए, क्योंकि हमने सभी रिकेट की इन्फॉर्मेशन अपने पोर्टल को असाइन कर दी है GoDaddy को, तो एवरीथिंग इज ओके, मार्क इट एज ए प्राइमरी। इससे क्या होगा, जब आप यूजर क्रिएट करोगे तो आपका यूजर बाय डिफॉल्ट जो है teachmecloud.net से एसोसिएट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये आपका यूजर, आपका डोमेन जो है दो आ गए, एक ऑन microsoft.com है और एक अपना कस्टम डोमेन। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कस्टम डोमेन का। बैक आते हैं ADK पैनल पे, थोड़ा सा यूजर्स देखते हैं, यूजर का स्टेटस क्या है, और हमारा जो यूजर है वो ऑलरेडी ऑन microsoft.com से एसोसिएटेड है, बट अभी हमने teachmecloud.net का डोमेन अटैच किया। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऑन microsoft.com से इसको हटाते हैं, बिकॉज वी वांटेड टू रीडायरेक्ट, वी वांटेड टू रिप्रेजेंट आवर ऑन डोमेन दैट वी परचेज, ठीक है। तो यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाओ, यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है हमें। एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा कि यू कैन चेंज द नेम ऑफ योर डोमेन, जो हमने कस्टम डोमेन ऐड किया उस नेम से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। वी जस्ट नीड टू ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर यूजर, इंटरप्राइज पे जाएंगे, सॉरी एडिट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, बिट स्लो, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अलीबाबा, दिस इज आवर यूजर, यहाँ पे डोमेन पे जाओ, सिलेक्शन करो .net का, सॉरी teachmecloud.net का, सेव इट। तो अभी हमने किसको असाइन किया, यूजर अलीबाबा को, और दूसरा हम यूजर सेलेक्ट करते हैं एज्योर, और इस एज्योर यूजर को भी हम असाइन करते हैं कौन सा, अपना खुद का डोमेन। एडिट प्रॉपर्टीज, अंडर द एडिट प्रॉपर्टीज वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडिट सेटिंग और अपना डोमेन हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एंड सेव द कॉन्फ़िगरेशन। तो दो यूजर हमने सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिए हैं फ्रॉम ऑन microsoft.com टू teachmecloud.net Azure। अच्छा अभी सेव मोड में है, सेविंग, वेट, इट इज इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं पेज को। Azure, AWS एंड Alibaba दोनों यूजर को हमें रिप्रेजेंट करना है किससे, विद द हेल्प ऑफ teachmecloud.net। चलिए ये अटैच कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। अकाउंट इज डिसेबल्ड, कोई दिक्कत नहीं, इसको इनेबल कर देंगे, बिकॉज डिसेबल में क्या होगा, यू आर अनेबल टू यूज इट, यू आर अनेबल टू लॉग इन योर अकाउंट, अगर हम पोर्टल से लॉग इन करने की कोशिश करेंगे तो ये लॉग इन नहीं होगा। चलिए अलीबाबा @teachmecloud.net, Azure @teachmecloud.net दोनों को यूजर को हमने असाइन कर दिया है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि सभी स्टेप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। गो थ्रू कर लो, आप जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए ना उनको आप गो थ्रू कर लो एक बार, और कहीं पे लगता है कि कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए हमें, वहाँ पे DM भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम के लिए हम सोल्यूशन आपको 24/7 प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। व्हाट्सएप करिए, डेफिनेटली व्हाट्सएप पे भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, अब मूव करते हैं ग्रुप की तरफ, राइट। ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो बेसिकली जो ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, अभी हमने क्या किया, यूजर्स क्रिएट किए, यूजर को अपने डोमेन से अटैच किया। अब इन यूजर्स को जो भी हमने क्रिएट किया, लाइक विद नेम ऑफ अलीबाबा एंड विद नेम ऑफ व्हाट वी कैन से दैट Azure या GCP, जो भी यूज़र हमने तैयार किए हैं, इन सभी यूजर्स को अपने ग्रुप में ट्रांसफ़र करेंगे, ग्रुप एक बनाएंगे उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इस पे लाइसेंस असाइन करेंगे ग्रुप पे, और वो इमीडिएटली हमारे जितने भी यूजर्स हैं उस ग्रुप के अंदर उनको लाइसेंसेस असाइन कर देगा, राइट। तो आप देखिए, नॉट ओनली फॉर द लाइसेंस,
टोटल इन्फॉर्मेशन की बात करें 250 लाइसेंस मिलते हैं इंटरप्राइज मोबिलिटी E5 का, और ये 30 डेज के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, आप आसानी से कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं अकाउंट क्रिएट करने के बाद। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट लाइसेंस अपडेट करना और साथ ही साथ ग्रुप को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन से दैट ग्रुप हम यूज़ करते हैं लाइसेंस असाइन करने के लिए, रोल असाइन करने के लिए, और अगर कोई पॉलिसी बना रखे हैं उस पॉलिसी को असाइन करना चाहते हैं तब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फाइनल स्टेप है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ऑन प्रमाइसेस मशीन पे, डिवाइसेस को इनरोल करना सीखेंगे, एंड्रॉयड को, मैक को, विंडोज़ को, और साथ ही साथ GPIO वगैरह इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि हाउ GPIO कैन परफॉर्म द टास्क। कैसे हम इंट्यून पोर्टल के थ्रू अपने ऑन प्रमाइसेस डिवाइस को एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, GPIO को कॉन्फिगर करते हैं, मल्टीपल पार्ट्स दैट वी नीड टू कवर इन दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। तो चलिए मूव करते हैं अपने पोर्टल पे, फिर से आ जाते हैं अपने इस AD के पैनल पे। अंडर द AD पैनल क्लिक ऑन ग्रुप्स, अभी हम ग्रुप बनाने वाले हैं, ऑल ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे। वी हैवंट क्रिएटेड एनी ग्रुप राइट, अभी तो हमने कोई भी ग्रुप नहीं क्रिएट किया है। एक ग्रुप तैयार करते हैं यहाँ पे, सॉरी वन ग्रुप इज अवेलेबल, नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट एंड क्रिएट न्यू ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रिफ्रेश द पेज, न्यू पे जाएंगे और लेट मी क्रिएट वन मोर ग्रुप, नाम दे दीजिए ग्रुप GROUP-hyphen इंट्यून के नाम से हम यहाँ ग्रुप दे देते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, इट्स मैंडेटरी फॉर अस, वी मस्ट नीड टू असाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स, वी जस्ट नीड टू असाइन AWS Alibaba एंड Azure, इन दोनों को हम असाइन कर देते हैं क्योंकि ये हमारे खुद के डोमेन से एसोसिएटेड है। फटाफट से हमने क्रिएट कर लिया अपना ग्रुप और ग्रुप के अंदर हमने दो यूजर्स को भी ऐड कर दिए। बट नाउ यू शुड नो अबाउट कि लाइसेंस कैसे असाइन करेंगे। तो लाइसेंस हमने डिस्कस किया था, लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन बिलिंग, अंडर द बिलिंग लाइसेंसेज आएगा, अंडर द लाइसेंस जितने भी लाइसेंस आपके पास हैं, जितने भी परचेज कर रखे हैं या फ्री ट्रायल एक्टिवेट कर रखे हैं, वो इस लिस्ट में आ जाएगा। ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद 1, 2, 3 लाइसेंस आपके पास अवेलेबल है। ट्राई या बाय पे जाएंगे तो आपको इंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 का लाइसेंस, एजूर AD प्रीमियम 2 का लाइसेंस मिल जाएगा। हम इसके लिए एजूर AD प्रीमियम 2 का लाइसेंस जो है वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कंडीशनल एक्सेस और SSPR के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरप्राइज मोबिलिटी का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली किया जाता है BYOD मीन सिंक्रनाइजेशन के लिए, अपना ऑन प्रमाइसिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सिंक्रनाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट नीड टू सेलेक्ट Azure AD प्रीमियम E5 लाइसेंस सेलेक्ट करिए और देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट हैं इसमें। सर्विस प्लान पे जाएंगे, ये लिस्ट बता देगा कि आपका जो लाइसेंस है वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है, डिफाइंडर है, क्लाउड एप्लीकेशन है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, राइट्स मैनेजमेंट है, P1 P2 के लाइसेंसेस, तो लगभग इनफ डेटा आपके पास है। और अभी इस लाइसेंस का इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं टास्क टू इनरोल अवर टू असाइन द ग्रुप। अब ग्रुप में असाइन करने के लिए क्या करेंगे, आप लाइसेंस के अंदर ही लाइसेंस्ड ग्रुप में जाएंगे, असाइन पे जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी ग्रुप इंट्यून, ये आपने ग्रुप बनाया था, सेलेक्ट करिए और उसको असाइन कर दीजिए रिव्यू आने चाहिए, डन। अब इसके अंदर जितने भी यूजर थे, आपने जितने भी यूजर्स ऐड किए थे, लाइक आई थिंक 2 यूजर हमने ऐड किए थे, वो दोनों यूजर्स आपके कहाँ पे हैं, डायरेक्टली इस लाइसेंस के मीन्स वो यूजर भी इस लाइसेंस के पार्ट में आ जाएंगे। एवरीथिंग इज ओके, वी सक्सेसफुली असाइन द लाइसेंस, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रुप लाइसेंस आ गया। और उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। ऑल यूजर्स पे जाते हैं, 2 यूजर्स हमने बनाए हैं और इन्हीं यूजर्स की मदद से हम क्या करने वाले हैं, अपने ऑन प्रमाइसिस मशीन को, चाहे वो मैक हो, विंडोज़ हो, या फिर एंड्रॉयड हो या लिनक्स वर्जन हो, उनको सबको इनरोल करने का काम करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगला जो पॉइंट है वो हम डायरेक्टली इंट्यून पे जा रहे हैं और इंट्यून के इनरोलमेंट प्रोसेस पे जा रहे हैं। तो पार्ट क्या है, हाउ टू इनरोल आवर डिवाइसेस। अब हम क्या करने वाले हैं, इनरोल
devices to Intune. ठीक है, हम अपने Intune पोर्टल पे अपने डिवाइसेस को इनरोल करेंगे. क्या क्या टास्क परफॉर्म किया हमने? एज्योर एडी पहले हमने एक्टिवेट किया ऑफिस 365 से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए हुए, और एडी में बहुत सारे यूजर्स क्रिएट किए. एज्योर एडी के अंदर हमने बहुत सारे यूजर्स क्रिएट किए, ठीक है, जितने भी यूजर्स हैं. इन यूजर को डायरेक्टली यहाँ पे डेफिनेटली वो तो आ ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं. एज्योर एडी के यूजर्स आपको यहाँ पे हाईलाइट हो गए. ये अपना O365 का पोर्टल है और ये अपने पास Intune का पोर्टल है. क्लियर? अब इन्हीं यूजर्स के थ्रू लाइसेंस भी असाइन है, तो अपने ऑन प्रमाइसेस कंप्यूटर्स को, ऑन प्रमाइसेस लैपटॉप को या मोबाइल फोन को हम क्या करने वाले हैं? इनरोल करने वाले. इनको हम क्या करने वाले हैं? इनरोल करने वाले. क्लियर? तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे. और सबसे पहले तो इनका पासवर्ड रीसेट कर दो, क्योंकि अभी डिफॉल्ट पासवर्ड पे हैं ये सभी. तो वी जस्ट नीड टू रीसेट द पासवर्ड. फर्स्ट लॉगिन पे रीसेट करना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी. एज्योर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना. एज्योर एट द रेट teachmecloud.net. ओपन इन अनदर विजर्ड और इस यूजर का पासवर्ड हम बदल देते हैं, ठीक है. portal.office.com. यूजर कौन सा है? azure@teachmecloud.net. पासवर्ड जो टेम्प्रेरी पासवर्ड है, यू शुड चेंज इट ऑन फर्स्ट लॉग इन. हम यहाँ पे इस पासवर्ड को रीसेट कर देंगे, इट्स मैंडेटरी फॉर अस. एंड साइन इन, ठीक है. MFA वगैरह हम इस पर कुछ भी नहीं एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि इसी यूजर का इस्तेमाल करके हम मैनेज करेंगे अपना टास्क, ठीक है. Then we successfully reset the password. I don't want to configure MFA, ठीक है. So we just need to proceed. ये user हमने ready किया है ताकि हम अपने on premises को क्या कर सकें, device को enroll कर सकें. तो प्रीरिक्विजिट हो गया, क्लियर. अब आ जाते हैं Intune पोर्टल पे. थोड़ा सा Intune पोर्टल को समझने की कोशिश करते हैं. intune endpoint.microsoft.com, दिस इज द URL जिसके थ्रू आप सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉग इन करेंगे जो आपने ऑफिस 365 के लिए इस्तेमाल किया. यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल Intune पोर्टल पे अगर हम देखेंगे तो. वेट एंड पॉइंट डॉट माइक्रोसॉफ्ट .com, ठीक है. उसी से आप सेम आईडी इस्तेमाल करिए टू लॉग इन योर एंटीन पोर्टल. चलिए, एवरीथिंग इज ओके. वी सक्सेसफुली लॉग इन आवर Intune पोर्टल. यहाँ पर डैशबोर्ड समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर इनरोलमेंट प्रोसेस पे जाएंगे कि कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑन प्रमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर को इनरोल करने का काम करते हैं, ठीक है. endpoint.microsoft.com, दिस इज द GUI लुक ऑफ आवर Intune पोर्टल. और इसी पोर्टल से हमें सभी टास्क परफॉर्म करने, एक एक स्टेप पे बात करते हैं. डैशबोर्ड से, ये होम पेज है हमारा, ये डैशबोर्ड पे जाओगे, कस्टमाइज डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको मिल रहा है. आप अपने अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय या जितने नंबर ऑफ
क्लाइंट आप हैंडल कर रहे हैं इस पोर्टल से अपने अकॉर्डिंग डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। दिस इज डिफॉल्ट डैशबोर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग नया डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, पुराने डैशबोर्ड को डाउनलोड कर सकते हो, कभी ज़रूरत पड़े तो उसको अपलोड कर सकते हैं बैकअप के लिए, ठीक है। या आप चाहते हो कि नहीं ब्लैंक डैशबोर्ड हम अपने हिसाब से मैनेज करें, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन ब्लैंक डैशबोर्ड, अपना डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं इन ट्यून क्लास, ठीक है, डैशबोर्ड। ये हम एक नया इन ट्यून क्लास डैशबोर्ड तैयार करने वाले हैं। क्या क्या ऐड करना है, क्लॉक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ऐड टाइटल्स में जाओ, क्या क्या ऐड करना है वो आप यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करते जाओ, क्लॉक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो भी टाइम है आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, ठीक है, आईएसटी में चल रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कोई दिक्कत नहीं। एंड क्लाइंट एप्लीकेशन कंप्लायंस डिवाइसेस, चलो ये ऐड कर लेते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं वेलकम टू इंट्यून, ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही है। एंड इनरोल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास ज़रूरी है, नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी लगी आपने इनरोल की उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी इसमें। मार्कडाउन डिस्प्ले द स्टैटिक कंटेंट, नहीं, प्रोटेक्ट योर पॉलिसी स्टेटस, ये भी कहीं ना कहीं यूज में आ जाता है, ठीक है। डिवाइस कंप्लायंस, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन छोटा सा पार्ट है, ठीक है, एज इट इज स्टेटस दिखा देगा यहाँ पे एरर आ रहा है या ओके है सब कुछ। आप इस डैशबोर्ड को कर देंगे सेव, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या आप धीरे धीरे आएगा, नॉट इन अ सिंगल डे। तो ये आपका कस्टमाइज डैशबोर्ड है जो आपने अटैच किया, और अगर आपको पुराने डैशबोर्ड पे जाना है तो आप माई डैशबोर्ड पे, ये डिफॉल्ट डैशबोर्ड है, कभी भी आप अपने डैशबोर्ड को चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू कैन डू दैट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, जितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स, नॉट यूजर, जितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, अगर आप एक पोर्टल से मल्टीपल डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हो, HR को अलग, सेल्स को अलग, IT डिपार्टमेंट को अलग, तो आप अलग अलग डैशबोर्ड बना करके अपने इन्वायरमेंट को, क्योंकि आप ऑनर हो इस पोर्टल के, इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के, तो आप अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हो कि कैसे रखना है, क्लियर ना। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद माई डैशबोर्ड जो डिफॉल्ट वाला है, और क्योंकि ये थोड़ा सा वेल अरेंज है तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया, तो डेफिनेटली बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। चलिए, ये हो गया डैशबोर्ड, अब क्लिक करते हैं ऑल सर्विसेज पे। ऑल सर्विसेज पे बात करें तो आप देखिए एप्लीकेशन, डिवाइसेस, ग्रुप, टेनेंट, यूजर, ट्रबल शूटिंग और थोड़ा सा सरफेस मैनेजमेंट पोर्टल, ये नया फीचर ऐड किया है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ये सभी नए फीचर्स आए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक पॉइंट पे डिस्कस करना, बट ये काम तभी आएंगे जब आपके पास डिवाइस इनरोल होगी। तो अभी अपने पास कोई डिवाइस इनरोल नहीं है, तो डायरेक्टली हम चलते हैं डिवाइसेस में, जीरो डिवाइसेस, अभी यहाँ पे कोई भी डिवाइस हमने अटैच नहीं की। क्या क्या अटैच कर सकते हैं, क्या क्या इनरोल कर सकते हैं, विंडोज़ की मशीनें, iOS, iPad यानी मोबाइल फ़ोन, iPhone और आपका iPad इनरोल कर सकते हैं, मैक मशीन अगर आप मैक लैपटॉप यूज़ करते हैं तो इसको इनरोल कर सकते हैं, एंड्रॉयड, क्रोम OS, लिनक्स, ये सभी डिवाइसेस आप क्या कर सकते हैं अपने इंटीन पोर्टल के ऊपर इनरोल कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड हियर, इंटून पे डिवाइस इनरोल करने के कई सारे मेथड हैं, उन सभी मेथड के बारे में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले तो टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि अपने पास कौन सी मशीन है जिसको हम इनरोल करना चाहते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक द RDP ऑफ माई बेस मशीन, ऑटोमाइसिस पे जो मैंने सिस्टम लगा रखा है वर्क स्टेशन पे, VMware वर्क स्टेशन पे, उन मशीनों को एक्सेस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा सकें। इनरोलमेंट प्रोसेस समझने के लिए हमने अभी अपने ऑन प्रमाइसिस विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर लिया है, VMware वर्क स्टेशन पे इसको इंस्टॉल कर रखा है, दिस इज माई बेस मशीन, और इसमें एक विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, और इसी डिवाइस को हम इनरोल करने वाले हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ विंडोज। अभी देखिए कोई भी डिवाइस नहीं है, जीरो दिखाई पड़ रहा है, चलिए देखते हैं प्रोसीजर की कैसे इनरोल किया जा सकता है। मल्टीपल वे हैं, पहले भी बता देते हैं मल्टीपल वे हैं, उनके बारे में बात करते हैं, बट पहले इनरोलमेंट प्रोसेस। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और 10 पे बहुत आसानी तरीके से हम इनरोल कर सकते हैं, सिंपल सा स्टार्ट पे राइट क्लिक करना है, आपको सेटिंग्स पे जाना है, अंडर द सेटिंग अकाउंट्स पे क्लिक करिए, अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद अब देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस वर्कर स्कूल पे जाएंगे, एंड राइट पैनल पे देखेंगे तो मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, रिलेटेड सेटिंग में सेटअप अकाउंट फॉर टेकिंग टेस्ट,
यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एनरोल ओनली इन डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब आप इसको केवल इंट्यून के लिए इनरोल करना चाहते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक हियर। यहाँ पे आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, तो यूजर नेम हमारा एज्योर टीच मी क्लाउड, जो लाइसेंस हो जिसपे आपने लाइसेंस असाइन कर रखा है, teachmecloud.net। नेक्स्ट पे क्लिक किया, एक ऑप्शन पूछ रहा है MDM का URL आप इस पे पेस्ट करिए, राइट। तो MDM का URL पेस्ट करने के लिए कहाँ पे मिलेगा आपको, आप आएंगे पोर्टल पे, इनरोलमेंट में विंडोज पे क्लिक करेंगे, इंट्यून के पोर्टल से ही आपको MDM URL मिल जाएगा। और विंडोज डिवाइसेस पे जीरो डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस इनरोल नहीं है तो कोई भी लिस्ट नहीं आ रही। आप इसी के नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विंडोज इनरोलमेंट, सो आप सिंपल सा विंडोज इनरोलमेंट पे क्लिक करिए। विंडोज इनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद ऑटो पायलट और ये जनरल, अच्छे से डिस्कस करेंगे ऑटो पायलट और जनरल के बारे में, नो वरी अबाउट इट। आप ऑटोमेटिक इनरोलमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको डिस्कवरी URL मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे MDM MAM जो हमने डिस्कस किया था, वट यू नीड टू डू, आपको सिंपल सा इस URL को कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी, और ऑन प्रमाइसिस जिस मशीन पे आप इनरोल करना चाहते हैं, जैसे मुश्किल है कॉपी पेस्ट, तो हम पहले इसको बेस मशीन में अपने पेस्ट कर लेते हैं URL को नोटपैड, बिकॉज मैक टू विंडोज और भी वर्चुअल मशीन में कॉपी नहीं होता, सो यू जस्ट नीड टू कॉपी इट ऑन बेस मशीन। और VM पे जाएंगे, इस पे URL पे क्लिक करेंगे, सॉरी पेस्ट कर देंगे URL को, नेक्स्ट करिए। और अगला स्टेप ये मांगेगा आपसे पासवर्ड, डेफिनेटली इट्स मैंडेटरी यू शुड प्रोवाइड द पासवर्ड, है ना। सो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देते हैं इसको एंड ट्राई टू साइन। मेक श्योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तभी आप इनरोल कर पाए। विद इन सेकेंड आपकी डिवाइस इनरोल हो चुकी है, ठीक है। एज्योर एट द रेट टीच मी क्लाउड डॉट नेट ये हमारा यूजर है जिसके थ्रू हमने इनरोल किया है, क्लिक करिए, इन्फो पे जाइए और सिंक्राइज पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी डिवाइस मीन्स बहुत ही कम समय में एज्योर पोर्टल पे, इंडियन पोर्टल पे हाईलाइट हो जाएगी। वैसे इतने भी टेक टाइम क्योंकि 3 से 4 मिनट का टाइम लग सकता है। जीरो डिवाइस, अभी भी जीरो डिवाइस, परेशान नहीं होना है आपको, पेशेंस रखना है 5 मिनट तक का, और आपकी डिवाइस क्योंकि हमने प्रोसीजर जो है करेक्ट यूज़ किया है तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं है, वी आर एबल टू गेट अवर डिवाइस इन्फॉर्मेशन। चलिए मीनवाइल ना आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर देते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि आपका मीन 2 घंटे की ये वीडियो, 3 घंटे की जो वीडियो हमारी बन रही है, इसका आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आई होप कि आपने समझ लिया, चलिए मैं स्टेप ही बता देता हूँ ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इसके फर्स्ट में आपने क्या किया, क्रिएट यूजर, ठीक है। स्टेप टू में क्या किया, क्रिएट ग्रुप, हमने ग्रुप तैयार किया। स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, ऐड यूजर टू ग्रुप, जो भी आपने ग्रुप बनाया है उसमें आप यूजर ऐड कर दो। तीसरा क्या है, ऐड लाइसेंस टू ग्रुप, अब ग्रुप में कोशिश करिए लाइसेंस असाइन करने के लिए, कौन सा लाइसेंस वो आप डिस्कस कर ही चुके हैं, कुछ भी नहीं करना। स्टेप फोर में आप जाएंगे, फाइव में जाएंगे, बैक टू ऑन प्रेम, अभी विंडोज की बात कर रहे हैं, विंडोज मीडियम मशीन, इट मे बी फिजिकल इट मे बी वर्चुअल, कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि VM, टेस्टिंग पर्पज के लिए हमने VM का इस्तेमाल किया है, सॉरी। क्रिएट यूजर, सॉरी वो ऑटो कनेक्ट हो गया था, क्रिएट Azure AD यूजर, ठीक है। दूसरे स्टेप पे हमने क्या किया, क्रिएट ग्रुप। तीसरे स्टेप पे हमने क्या किया, ऐड लाइसेंस टू ग्रुप, जो भी ग्रुप आपने बनाया उस पर आपने लाइसेंस असाइन कर देना है। स्टेप फोर पे जाएंगे आप, ऐड यूजर्स टू ग्रुप, पहले ऐड कर लो या बाद में ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड यूजर्स टू ग्रुप, जो भी आपने ग्रुप बनाया। नंबर फाइव, बैक टू ऑन प्रमाइसिस, बैक टू ऑन प्रेम
मशीन, वो फिजिकल मशीन भी हो सकती है, वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, ठीक है। ओपन सेटिंग, देन सेटिंग के बाद कहाँ पे गए थे हम लोग, अकाउंट पे गए थे, देन एनरोल डिवाइस ओनली, ठीक है। और फिर हमने यूजर जो भी लाइसेंस असाइन किया था और उसका डिस्कवरी URL, आई थिंक यही हमने इस्तेमाल किया था, राइट। ये सभी स्टेप की हेल्प से हमने क्या किया, अपने डिवाइस को इनरोल प्रोसेस इनरोलमेंट के लिए लगा दिया। इतने से नहीं काम होगा, और भी हमें चीजें समझनी है, राइट। तो ये हो गया इंटून का पोर्टल, राइट। और ये हो गया अपने पास ऑन प्रमाइसिस का विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज से स्टार्ट करिए, ज़्यादा हमें आगे भी नहीं बढ़ना है। ये हमने विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। दिस इज आवर इंटून पोर्टल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एनरोल करने के लिए प्रोसीड कर दिया है। थोड़ी देर में डिवाइस हमारी ये दिखने लगेगी, ठीक है। ये इंटून का पोर्टल या ऑन प्रमाइसिस डिवाइस, थोड़ी देर में हमारी डिवाइस यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इज दैट क्लियर, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करनी थी हमें, जो इंटरव्यूअर पूछता है, ठीक है, अबाउट MS Intune लाइसेंस मैनेजमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, इंट्यून का लाइसेंस मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और इंट्यून लाइसेंस मैनेजमेंट के केस में आपने कौन सा लाइसेंस अभी इस्तेमाल किया है, कुछ पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इंटरप्राइज मोबिलिटी सिक्योरिटी E5 प्लस सिक्योरिटी E5, ये हमारा लाइसेंस है जो हमारे भाई परचेज किए हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए हाईलाइट करना ज़रूरी है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये जो इंटरप्राइज मोबिलिटी है ये फ्री है फॉर 30 डेज, फ्री फॉर 30 डेज जब से आप इसको एक्टिवेट करेंगे। और इसमें जो नंबर ऑफ लाइसेंसेज हैं वो आपको मिलते हैं 250, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके थ्रू आप सिर्फ BYOD ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, ठीक है, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस मतलब ये होता है कि बल्क एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा इससे। इंडिविजुअल मशीन है, मैक हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, ऑपरेटिंग सिस्टम सारे सपोर्ट होंगे, लेकिन BYOD जो एक सिंगल मशीन है अवेलेबल ऑन प्रमाइसिस पे, मोबाइल फोन है, आपका टैबलेट है, आपका लैपटॉप है, ठीक है, आपका डेस्कटॉप है, इनमें से कोई भी डिवाइस आप इनरोल करा सकते हो। चलिए, ये हो गया अपने पास एंड्रॉयड या आईफोन, कोई सा भी मोबाइल फोन आप इसको इसे इनरोल कर पाओगे, आप इसे टैबलेट इनरोल कर लोगे, डेस्कटॉप भी इनरोल हो जाएगा, वर्चुअल मशीन डेस्कटॉप, और ये आपका लैपटॉप, ये सभी डिवाइसेस इनरोल हो जाएंगे। बट ध्यान रखना BYOD ब्रिंग योर ऑन डिवाइस बल्क में या ऑटो पायलट इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका लाइसेंस सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये फ्री है तो टेस्टिंग पर्पज के लिए कोई दिक्कत नहीं, बट आई विल शो यू द स्टेप कि हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे ऑटो पायलट सर्विस इनेबल की जाती है और कॉन्फिगर की जाती है। उम्मीद है यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, और पॉइंट ऐड करनी है यहाँ पे, पॉइंट ये ऐड करना है कि आप एक लाइसेंस से, ठीक है, एक लाइसेंस से, वन लाइसेंस कैन इनरोल हाउ मच 15 डिवाइसेस, आप एक लाइसेंस से कितने 15 डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, चाहे वो मैक हो, iOS हो, एंड्रॉयड हो या iPad हो,
आप एक ही यूजर से, एक ही लाइसेंस से 15 डिवाइसेस इनवॉल्व कर पाओगे। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, नो वरी। पहले एक बार चेक कर लें क्या स्टेटस है इसका, इनरोलमेंट का क्या स्टेटस है। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं पेज को, वेट करते हैं। नंबर ऑफ डिवाइसेस एक। अब देखिए यहाँ पे एक डिवाइस आपको मिल गई, यहाँ पे एक डिवाइस आपको दिखने लगी। अब विंडोज पे क्लिक करिए, विंडोज पे क्लिक करने के बाद एक सिंगल डिवाइस आपने अटैच की है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। HRPC कंप्यूटर नेम जो है वो HRPC है, इंट्यून बाय मैनेज बाय इंट्यून पर्सनल कंप्लेंट Azure@ समथिंग, ये जो हमने यूजर इस्तेमाल किया Azure@ teachmecloud.net 26 May 2023, ठीक है, ये आपका डेट और टाइम बता रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन आवर वर्चुअल मशीन, जो वर्चुअल मशीन हमने एनरोल की उसको ओपन करते हैं, प्रॉपर्टीज में देखते हैं क्या क्या मिलता है। रिटायर, वाइप, डिलीट, सिंक्रनाइज, पास रीसेट पासकोड, पासकोड कब आएगा जब आपने पासकोड कॉन्फ़िगर किया, रिमोट लॉक भी हाईलाइट नहीं है, रीस्टार्ट एंड कलेक्ट डायग्नोस्ट फ्रेश स्टार्ट, ये ऑप्शन आपको मिलता है। HRPC विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल, सीरियल नंबर डिवाइस का होता है, यहाँ पे वर्चुअल मशीन का दिखा रहा है क्योंकि हमने अपने VMware वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करके इसको इनरोल कराया था, राइट। मॉडल नंबर भी VMware का ही दिखाई पड़ेगा। सी मोड में अभी कुछ हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, कोई एक्शन नहीं प्रोसीड किया इस वर्चुअल मशीन के साथ, अभी जस्ट ऐड किया। तो ये जो ऑप्शन है इनको समझना है। रिटायर का मतलब यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस डिवाइस, अब इसको हटाना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। वाइप क्या है, आपके पूरे डेटा को ये इरेज कर सकता है। इंट्यून पोर्टल के जरिए आप अपने ऑन प्रमाइसिस मशीन के डेटा को इरेज कर सकते हो ऑन सिंगल क्लिक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिलीट इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस मशीन, अब इनरोल किया है आप इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं डिलीट कर दीजिए। सिंक्रनाइजेशन, जब आप कोई पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हो, जब आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो तो आप क्या करते हो, सिंक्रनाइज करने का काम करोगे। रीस्टार्ट, चलो देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट करता है या नहीं। ये अपने पास वर्चुअल मशीन है, ठीक है, हम इसको एज्योर पोर्टल से, इंटीरियर पोर्टल से रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन रीस्टार्ट, यस पे क्लिक किया, रीस्टार्ट इनिशिएटेड, रीस्टार्ट पेंडिंग, यहाँ पे आपको स्टेटस भी बताएगा और हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे ही वहाँ से रीस्टार्ट किया, यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइट हो गया। 2 मिनट का टाइम लगता है इसको रीस्टार्ट होने में, जब आप पोर्टल से रीस्टार्ट करते हो किसी भी डिवाइस को, मतलब पोर्टल पे डिवाइस इनरोल होने के बाद आप अपने इंट्यून पोर्टल के जरिए इस मशीन को रीस्टार्ट भी कर सकते हो, राइट। योर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर हैज स्केड्यूल ए रिबूट, ठीक है, अपने रिबूट के लिए इसको स्केड्यूल किया, तो विद इन 2 मिनट आपकी मशीन जो है ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। विंडोज़ डिवाइस को इनरोल किया और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने इंट्यून पोर्टल के ऊपर जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। टाइमर हमने लगा दिया है, 2 मिनट का टाइम लगेगा, हमें इंतज़ार करना चाहिए और लेट्स सी कि क्या ये इम्पैक्ट करता है। वैसे इन्फॉर्मेशन तो आ गई, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि आपको पॉपअप आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो डिवाइस भी हमारी रिस्टार्ट हो ही जाएगी। ठीक है, रीस्टार्ट कंप्लीटेड, यहाँ से रीस्टार्ट कंप्लीटेड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे स्विच करने में, मीन्स आपकी जो एक्टिविटी है ना वो आपके इम्पैक्ट कर चुकी है अपने ऑन प्रमाइसेस मशीन पे। ठीक है, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई। नाउ अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो इंडिविजुअल मशीन है, इंडिविजुअल, अब आपके पास मल्टीपल डिवाइसेज हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने 100 डिवाइसेस, क्लाइंट मशीन है, मोबाइल फ़ोन है, उनको कैसे इनरोल करेंगे, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नो वरी अबाउट इट। तो चलो वेट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा, तो होने देते हैं इसको रीस्टार्ट। और व्हाट वी नीड टू डू, एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं ना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पे कई मेथड इनरोल करने के लिए, मान लीजिए ये अपना इंट्यून का पोर्टल है,
एनरोलमेंट मेथड, ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम अपने ऑन प्रमाइसेस डिवाइस को क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कोई भी पार्ट ना छूटे। पहला जो ऑप्शन है वो किसके थ्रू हमने किया, डिस्कवरी यूआरएल के थ्रू, यूजिंग डिस्कवरी एमडीएम ठीक है, ये पहला मेथड जो अभी हमने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, कुछ कंडीशन है, कंडीशन भी हम अप्लाई कर रहे हैं, नो वरी अबाउट इट। दूसरा है यूजिंग कंपनी पोर्टल, और तीसरा है ऑटो पायलट, ठीक है। ये तीन ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप अपने किसी भी डिवाइस को एनरोल कर पाते हो, नॉट किसी भी, क्योंकि जो MDM URL है ना, ये केवल विंडोज के लिए अप्लीकेबल है। ये तीन मेथड हैं जिनके थ्रू हम एनरोल करते हैं, अप्लीकेबल फॉर विंडोज 10 एंड विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये दोनों केवल कंपनी पोर्टल के थ्रू, सॉरी, इसके थ्रू हम केवल इन्हीं दो डिवाइसेस को एनरोल कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी पोर्टल का काम क्या है, ऑल डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस में आप इसमें विंडोज भी इनरोल करो, लिनक्स भी इनरोल कर सकते हो, मैक भी इनरोल कर सकते हो, iOS भी इनरोल कर सकते हो, और क्रोम भी इनरोल कर सकते हो, इवन लिनक्स और उबंटू कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप आसानी से इनरोल कर पाओगे, क्लियर। अब बात आती है ऑटो पायलट की, तो ऑटो पायलट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूज टू इनरोल मल्टीपल VMs, आर यू कैन से दैट नॉट VM, मल्टीपल मशीन्स, ठीक है, PCs, यू कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ यूज फॉर द बल्क इनरोलमेंट प्रोसीजर है, प्रीरिक्विजिट इसकी है, अच्छा खासा स्टेप यूज करना पड़ता है, ऑल्सो यू नो प्रॉब्लम। दीज ऑल आर द मैथड जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट में डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो अभी हमने क्या यूज किया है, कंपनी MDM, एक बार कंपनी पोर्टल का भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, सो करते हैं, हाउ टू एनरोल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो हाउ वी कैन डू दैट, बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, इसमें हम कंपनी पोर्टल का भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मैक मशीन है, इसको हम इनरोल करना चाहते हैं कहाँ पे, अपने इंट्यून के पोर्टल पे। एवरीथिंग इज ओके, मेथड क्या है अपना, एजेंडा क्या है, दिस इज आवर इंट्यून पोर्टल, और ये अपने पास ऑन प्रमाइसेस पे मैक डिवाइस है, ठीक है। Enroll Mac device to Intune portal, ठीक है। Prerequisite वही है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक यूजर 15 अलग अलग डिवाइसेस को एनरोल कर सकता है, एक यूजर की हेल्प से हम 15 अलग अलग डिवाइसेस को एनरोल करा सकते हैं, राइट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कैसे एनरोल हो, ये अपना एजेंडा है, कुछ भी नहीं करना, नथिंग, आप आ जाओ पोर्टल पे, ठीक है, आप आ जाओ पोर्टल पे, और पोर्टल पे डिवाइस मैनेजमेंट में जाओ, एडी पे नहीं जाना है, यहीं पे रहना हमें, एक डिवाइस दिख रही है विंडोज की, अब आप जाओगे मैक ओएस पे, ठीक है, ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैक ओएस पे जाने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, जीरो डिवाइस, कोई भी डिवाइस नहीं है, मैक एनरोलमेंट पे जाओगे आप, मैक एनरोलमेंट पे जाने के बाद ये आप देखिए क्या है, एप्पल MDM पुश सर्टिफिकेट, बिल्कुल क्लिक करिए इस पे, कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी है आपको, यहाँ पे जीरो, कोई भी इनिशियल सेटिंग नहीं कर रखी आपने,
आई एग्री करिए। CSR फाइल क्या होती है? CSR फाइल, CSR फाइल की मदद से आप अपने इस लैपटॉप का ना सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। तो ये कह रहा है कि MDM पुश सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस CSR फाइल के थ्रू नया सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे इस डिवाइस को इनरोल करने के लिए। तो हम इसको करते हैं डाउनलोड। ठीक है, ये अपना CSR सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, इसको हम उठा के रखते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, इनकी फाइल की एक लिस्ट बना लेते हैं, CSR कॉपी, और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं मैक इनरोलमेंट, मैक इनरोल। ठीक है, इसमें हम रख लेते हैं इसको, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, क्या कर रहा है कि आप अपना क्रिएट योर पुश सर्टिफिकेट, आपको दूसरे स्टेप पे क्रिएट योर पुश सर्टिफिकेट, जब आप पुश सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे ना, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा एप्पल की साइट पे, और यहाँ पे आपको लॉगिन कराना पड़ेगा अपने एप्पल आईडी से। तो एप्पल आईडी आसान है ढूंढना, मैं आपको दिखा देता हूँ एप्पल मशीन पे ढूंढेंगे कैसे। सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे, अबाउट मैक पे जाएंगे, एप्पल आइकन पे क्लिक करेंगे, सिस्टम प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे भी आपको आईडी मिल जाएगी। आप देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एप्पल आईडी पे क्लिक करिए, ये आ गया आपका एप्पल आईडी। मेरे केस में मंजीत रावत 56@icloud.com। ये हम यहाँ पे एप्पल आईडी से प्रोसीड करते हैं अपने, पासवर्ड में भी सेव था, डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। यू मस्ट नीड टू अलाउ, आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, अगर आपकी आपका फ़ोन भी इसी आईडी से है ना, तो आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा। हो गया, मैं फिर से जनरेट कर देता हूँ, डिडंट गेट वेरिफिकेशन कोड, सेंड कोड अलाउ, यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा आपके फ़ोन पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपना कोड है फ़ोन पे, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 389595, ये सिक्योरिटी। ठीक है, एप्पल के केस में यू नो दैट सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, हर एक पार्ट पे आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब देखिए नंबर ऑफ सर्टिफिकेट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इनकी वैलिडिटी है 2023 एक्टिव है, ये एक्सपायर हो चुका है, ये रिवोक कर दिया, ये भी रिवोक हो गया है, 2024 तक एक एक्टिवेट है, हम चाहे तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये डिवाइस अगर पहले किसी दूसरे डिवाइस इन टू इन पोर्टल पे इनरोल हुई होगी तब भी आपको सर्टिफिकेट एक्टिव दिखाई पड़ेगा, बट वो सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। राइट, सो यू शुड क्रिएट न्यू सर्टिफिकेट, क्रिएट सर्टिफिकेट, आई हैव रीड द ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्ट। CSR फाइल हमने डाउनलोड की थी, रिमेंबर, चलिए चूज करिए उसको, डेस्कटॉप पे रखी थी हमने, आप डेस्कटॉप पे आओ, मैक इनरोलमेंट पे जाओ, CSR फाइल को सेलेक्ट करो और अपलोड करो। ये फाइल क्या करेगा, नया सर्टिफिकेट आपके लिए क्रिएट करके दे देगा। आप देखिए कंफर्मेशन, एक नया सर्टिफिकेट 25 मई 2024 तक के लिए तैयार है, आप यहीं से सर्टिफिकेट को कर लो डाउनलोड। MDN माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक अलग ऑनर चला रहा है, एप्पल या मैक एक अलग ऑनर चला रहा है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जब आप कम्युनिकेशन करते हो ना, तो उसमें बहुत सारी क्रॉस प्लेटफॉर्म जब आप इनरोलमेंट करते हैं इंटीन पोर्टल के ऊपर, तो उसमें बहुत सारी प्रीरिक्विजिट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड करनी होती है। तो ये सब जो हम कर रहे हैं, ये बेसिकली दोनों को एक दूसरे से अप्रूवल देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी कॉपी करके यहीं पर रख लेते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, मैक इनरोलमेंट, यहाँ पे हमने किया इसको पेस्ट, डन, एवरीथिंग इज ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, एप्पल आईडी आप प्रोवाइड करिए icloud.com। ठीक है, डन। अब आप जो MDM सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है ना, उसको आप करिए यहाँ से सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद MDM सर्टिफिकेट, एवरीथिंग इज ओके, क्लिक अपलोड। ये पहला स्टेप है, ये आपको पहले ही स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आप कंपनी पोर्टल पे जाएंगे, डायरेक्ट कंपनी पोर्टल पे जाने से कोई फायदा नहीं है।
सारी चीज़ें एक्टिवेट हो गई। एप्पल कॉन्फ़िगरेटर एक टूल होता है, एप्पल पे ऐप स्टोर पे शायद मिल जाएगा आपको। और इनरोलमेंट नोटिफिकेशन, इनरोलमेंट टाइप्स, इनरोलमेंट प्रोग्राम टोकन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार फिर से इस पर क्लिक करिए और देखिए इम्पैक्ट। एक्टिव 365 डेज के लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। और आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल, सीरियल नंबर मैक का, ये एप्पल आई डी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब एवरीथिंग इज ओके, कुछ भी नहीं करना आपको। कोई भी एक ब्राउजर ओपन करो, यहां पे टाइप करो डाउनलोड कंपनी पोर्टल। पहले आपको कंपनी पोर्टल नहीं डाउनलोड करना है, या डाउनलोड कर लीजिए, साइन इन नहीं करना है आपको। कंपनी पोर्टल फॉर मैक, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड कर सकते हो मैक डिवाइस के लिए। कहाँ पे मिलेगा ये? मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। इसको डाउनलोड करके आप ऑन प्रमाइसेस पे इसको कर देंगे इंस्टॉल। छोटा सा टूल है, फटाफट से इसको करते हैं इंस्टॉल। 28 MB का टूल है, वी कैन इंस्टॉल इट ईजिली। क्लियर, नेक्स्ट, कंटिन्यू, एग्री, एवरीथिंग इज ओके, डायग्नोस, वी हैव इनफ स्पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टॉल। डेफिनेटली आपको पासवर्ड देना पड़ेगा अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का। 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, तो नो प्रॉब्लम। इंस्टॉलेशन के बाद जो यूजर आपने क्रिएट किया था azure@something, उससे आप रजिस्टर कराएंगे। डन, बी सक्सेसफुली इंस्टॉल, मूव टू विन। अब आप ओपन करेंगे सर्च में जा करके कंपनी पोर्टल। इसके पहले हमने MDM URL के थ्रू इनरोल किया था विंडोज डिवाइस को, अभी हम क्या इनरोल कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इनरोल विद द हेल्प ऑफ कंपनी पोर्टल, वो भी मैक पर। साइन इन पे क्लिक करते हैं, यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो आपने पोर्टल पे क्रिएट किया था, विच वन, Azure के नाम से, राइट, इसी यूजर से हम लॉग इन कराते हैं अपने सिस्टम। लोडिंग कंपनी रिसोर्सेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअली मैंने सेम मशीन दूसरे अकाउंट से ऐड कर रखी थी, दैट्स व्हाई वी नीड टू लॉग आउट, साइन आउट। यहाँ पे हम नया यूजर साइन इन करना चाहते हैं azure@teachmecloud.net, सेम यूजर जो विंडोज के लिए इस्तेमाल किया था, प्रोवाइड पासवर्ड। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 5 मिनट तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लोडिंग रिसोर्सेज बीइंग इंस्टॉल, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, योर ऑर्गेनाइजेशन कांट डू, व्यू ब्राउजर हिस्ट्री ऑन दिस डिवाइस नहीं कर सकता, ओपन योर ईमेल, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर पोर्टल से नहीं हो सकता, एक्सेस योर पासवर्ड, रिव्यू योर डॉक्यूमेंट, ये सारी एक्टिविटी नहीं हो सकती, बट योर ऑर्गेनाइजेशन कैन डू, व्यू मॉडल, सीरियल नंबर ऑफ योर लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स, सी द नेम्स ऑफ एप्लीकेशन दैट यू इंस्टॉल्ड एंड आइडेंटिफाई योर डिवाइस बाय नेम, रीसेट लॉस्ट आर स्टोनल डिवाइस टू फैक्ट्री स्टोर। मतलब अगर आपका डिवाइस चोरी भी हो जाता है तो आप इंटरनेट पोर्टल के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा इरेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। Registering your Mac,
चलिए एक टूल डाउनलोड होगा यहाँ पे, प्रोफाइल डाउनलोड होगी, और फिर प्रोफाइल से हमें प्रोफाइल इंस्टॉल करते ही हमारा डिवाइस जो है इंडियन पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। डाउनलोड प्रोफाइल, एक नोटिफिकेशन आना चाहिए यहाँ पे डाउनलोड प्रोफाइल, जैसे हमारी प्रोफाइल डाउनलोड होती है। फाइनल स्टेप है, प्रोफाइल डाउनलोड होने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे और इमीडिएटली आपकी डिवाइस जो है पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। राइट, नॉट इमीडिएटली, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, फिर भी विंडोज के केस में भी 3-4 मिनट का टाइम लगा था, तो इसमें भी 5-7 मिनट लगेगा कि मैक डिवाइस को इंस्टॉल करने में। चलिए प्रोफाइल हो गई है डाउनलोड, इस पर क्लिक करिए आप, नोटिफिकेशन आ जाएगा सेटिंग्स पे, और क्लिक करने के बाद यू नीड टू इंस्टॉल इट। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे देखो इग्नोर है, इंस्टॉल है, आई वॉन्टेड टू इंस्टॉल। ठीक है, इसको करो इंस्टॉल। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से ना ये इग्नोर भी कर देगा, इग्नोर इन द सेंस इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगा, सो मेक श्योर यू हैव इनफ स्पेस। ठीक है, तो पासवर्ड प्रोवाइड करिए, क्योंकि मैक है तो हर जगह पे आपको पासवर्ड एंट्री देनी पड़ेगी कि यू आर द ऑनर। इंस्टॉल फेल्ड, जैसा कि हम कह रहे थे, चलो पुरानी प्रोफाइल को करो आप डिलीट, यहाँ से जो पुरानी प्रोफाइल्स है ना उनको आप रिमूव करो, स्पेस नहीं है आपके पास। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करें, बहुत सारी प्रोफाइल बनेंगी तो डेफिनेटली इश्यूज तो होंगे, स्पेस का भी, कॉन्फ्लिक्शन का, सबसे ज्यादा तो कॉन्फ्लिक्ट होने में, कोई इश्यू नहीं। अभी इसको भी करते हैं हम, इट मे बी टेक टाइम, क्योंकि अभी जस्ट आपने इनरोल किया है, बट पोर्टल पे अगर इसकी इन्फॉर्मेशन होगी ना तो प्रॉब्लम आ सकती है। आई एम गोइंग टू डाउनलोड प्रोफाइल अगेन। ठीक है, पेशेंस रखना है, एरर नहीं आएगा तो सीखेंगे नहीं आप। ठीक है, तो सब कुछ अगर सही सही होता रहा तो डेफिनेटली हम सीखेंगे भी नहीं, और लगेगा कि आपको कुछ हुआ ही नहीं। थोड़े बहुत एरर आने चाहिए, क्योंकि लाइव है कोई, हम आपको स्क्रीन शॉट नहीं दिखा रहे कि पीपीटी बना के स्क्रीन शॉट रख लिया, फटाफट बोलते गए जैसे अदर चैनल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ लाइव है तो एरर आना ज़रूरी है, ताकि आप इसी को ट्रबल शूटिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो 10 मिनट के बाद फिर से ट्राई करेंगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आपकी डिवाइस, इस वजह से ये फील्ड दिखा रहा है। लेट्स सी, हो जाना चाहिए भाई आपकी तो। टाइम लगा रहा है, मुझे लग रहा है हो जाएगा। चलिए डन हो गया। अब देखिए प्रोफाइल आपकी इंस्टॉल हुई 26 मई को 10 बजे, करेक्ट 10 PM। क्या क्या राइट्स है आप देखिए, राइट्स क्या है, इरेज ऑल डेटा ऑन दिस कंप्यूटर, ध्यान रखना है आपको, ये भी इस मशीन ऐड किया है, गलती से अगर इरेज पे क्लिक किया तो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना अच्छे से जब भी आप डिवाइस को इनरोल करोगे। अभी हम करते हैं इसको क्लोज, क्योंकि अगला ऑप्शन है रेडी, ये इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट। Feel free to browse the web or make cup of coffee while we finish up. ठीक है, ले लेते हैं कॉफ़ी और वेट कर लेते हैं, खुद ही भी बोल रहा है ऑल सेट, यहाँ से बोल दिया है सेट, लेकिन अभी पोर्टल पे नहीं दिखेगा, मुझे नहीं लगता है। ये अपने पास है 4 PC, सेम डिवाइस, सेम यूजर से यूज़ किया था। अब देखिए ये हमारा सिस्टम, बैटरी भी लो, कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट कर दो भाई, बैटरी लो दिखाई पड़ रहा है। डिवाइसेज में जल्दी macOS अभी तो नहीं आएगा, हमें चार्जर लगाना ही पड़ेगा। आ गया है, मैक दिखा रहा है, ऐसा क्यों,
मैं तो हमने एक ही इनरोल किया ना। मैं दो बार कैसे उठा रहा एजर के थ्रू। अच्छा वो दूसरी बार भी हो ही गया था। मीन्स वी आर एबल टू फाइंड। उम्मीद है कि ये यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो कुछ भी, और फिर से हम आपको आगे प्रोसीड करते हैं। वीडियो को करते हैं पॉज अभी थोड़ी देर के लिए। ओके, अभी तक हमने सीखा कि कैसे इंट्यून पोर्टल के ऊपर अपने ऑन प्रमाइसेस विंडोज मशीन को और मैक डिवाइस को कैसे इनरोल किया जाता है, राइट? तो वी सक्सेसफुली इनरोल्ड विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग डिस्कवरी यूआरएल। डिस्कवरी यूआरएल के थ्रू हमने इसको इनरोल किया था, राइट, विंडोज को। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, मैक भी हमने इनरोल कर लिया है। वी सक्सेसफुली इनरोल्ड आवर मैक डिवाइस। लेट्स टॉक अबाउट, अभी पॉइंट है अपने पास कि हाउ टू इनरोल एंड्रॉयड डिवाइस। ये तीनों स्टेप हो गए अपने पास। ये विंडोज हो गया, विंडोज 11 यूजिंग किसके थ्रू हमने इनरोल किया था, विद द हेल्प ऑफ MDM URL के थ्रू, ठीक है, डिस्कवरी URL के थ्रू। मैक हमने इनरोल किया यूजिंग कंपनी पोर्टल, और अब बारी है एंड्रॉयड की, ठीक है। एंड्रॉयड हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अगेन कंपनी पोर्टल, ठीक है। तो ये अपना इंट्यून का पोर्टल हो गया इंट्यून, और इस पे हम अपने ऑन प्रमाइसेस डिवाइसेस को इनरोल करना सीख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है यहां तक सब कुछ क्लियर होगा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यूजर अपने पास एक ही है, हम एक ही यूजर इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको भी क्लियरिटी हो। जो 15 डिवाइसेस इनरोल करने के बारे में हमने बात की थी ना, azure@teachmecloud.net, ठीक है, ये हमारा यूजर है जिसके थ्रू हम अपने डिवाइसेस को क्या कर रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं, चाहे वो एंड्रॉयड डिवाइस हो, मैक हो, या फिर अदर कोई डिवाइस। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने यहां पे क्या कर रखा है, एक प्ले स्टोर, लेट मी चेक, यहां पे मैंने एक एंड्रॉयड फोन अरेंज किया है, ठीक है, ये अपने पास एंड्रॉयड फोन, ठीक है, इसको हम करने वाले हैं इनरोल, राइट? सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाओ और यहां पे टाइप करो कंपनी पोर्टल। सॉरी, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें अभी है नहीं, डाउनलोड नहीं किया, तो आप ऐसे देख लीजिए, ये अपने पास कंपनी पोर्टल है, राइट? इस कंपनी पोर्टल को आप करेंगे इंस्टॉल, ठीक है। 25 MB का टूल है, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि इट्स जस्ट 25 MB ऑफ टूल, सो इमीडिएटली हम इसको इनरोल कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद सेम यूजर नेम जो हमने यूज किया ना azure@teachmecloud.net, इसी के जरिए, इसी के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे इंस्टॉल करने के लिए, राइट? सॉरी, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड इनरोल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये हो गया है इंस्टॉल, इट्स लुक लाइक दिस। साइन इन का ऑप्शन आया, साइन इन का ऑप्शन में आप दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद azure@teachmecloud.net, ठीक है। पासवर्ड वही पुराना जो आपने पासवर्ड मेंशन किया था, हमने सेम पासवर्ड का इस्तेमाल करके इसको इंस्टॉल करते हैं, सॉरी कनेक्ट करते हैं। ये सक्सेसफुली प्रोसीडेड। अगला ये ऑप्शन आएगा, व्यू ऑल फीचर डिवाइसेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है,
चलिए बैक आ जाएंगे अपने पोर्टल पे, और पोर्टल पे कहाँ पे जाएंगे, डिवाइसेस पे, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो अपने पास हैं, कहाँ पे गया, ठीक है, डिवाइसेस पे आ जाइए, और हमें क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के केस में वी आर अनेबल टू फाइंड एनी डिवाइसेस, अभी अपने पास कोई भी डिवाइस हमने अभी तक इनरोल नहीं की है। वी आर अनेबल टू फाइंड एनी डिवाइस, क्लिक ऑन डिवाइस इनरोलमेंट, और आप देखिए यहाँ पे इनरोल नोटिफिकेशन, मैनेज गूगल प्ले, और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑन यूजर डिवाइस, कॉर्पोरेट ऑन डिवाइस, AOSP, ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। एंड्रॉयड प्रीरिक्विजिट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, विच इज़ नॉट कम्फर्टेबल, अभी ये आपका डिवाइस कॉन्फिगर नहीं हुआ, सो व्हाट यू नीड टू डू, ग्रांट एक्सेस, जैसा पहले हमने डिस्कस किया था रिमेंबर, एज इट इज़ हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे मैक के केस में आपको यहाँ पे अपने डिवाइस को कनेक्ट कराना है, देन कंपनी पोर्टल विल वर्क, लॉन्च गूगल टू कनेक्ट नाउ, ठीक है, यहाँ पे आप व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड योर डिवाइस आर बिजनेस नेम, टीच मी क्लाउड डॉट नेट, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, प्रोवाइड द बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक एज अ डेटा प्रोटेक्शन, ये सारी इंफॉर्मेशन आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड टू कंफर्म। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। पाँच से सात मिनट इंतजार करने के बाद आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन जो आपने इनरोल किया है वो सक्सेसफुली आपके पोर्टल पे दिख रहा है। विंडोज़ हमने इनरोल किया विद द हेल्प ऑफ MDM URL, मैक हमने इनरोल किया विद द हेल्प ऑफ कंपनी पोर्टल एंड एप्पल सर्टिफिकेट, एंड्रॉयड हमने इनरोल किया विद द हेल्प ऑफ कंपनी पोर्टल एंड सेम यूज़र, तीनों की जो इनरोलमेंट है हमारा वो सेम यूज़र के थ्रू हमने मैनेज किया। लेट्स सी क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हमने इसको इनरोल किया है पर्सनली ऑन वर्क प्रोफाइल, मीन्स आप इस पर्टिकुलर डिवाइस को, आप जैसे वहाँ पे विंडोज़ के केस में और मैक के केस में BYOD था, वैसे इसमें पर्सनली ऑन, वी हैव डिफरेंट मेथड, फुल्ली मैनेज, डेडिकेटेड, कॉर्पोरेट वॉन्ट प्रोफाइल, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, ये अलग अलग मेथड हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस को इनरोल करा सकते हैं। पोर्टल हमने ओपन किया, मीन्स पोर्टल इन द सेंस कि डिवाइस की सेटिंग्स चेक करना चाहते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं इसमें, क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं, एज्योर एंड्रॉयड फॉर वर्क, ये नाम बाय डिफॉल्ट आ गया, आप अपने हिसाब से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हम पोर्टल पे हैं, रिटायर डिलीट रिमोट लॉक सिंक्रनाइजेशन रीसेट पासकोड, ये तो डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको दिखाई पड़ रही है, डिस्कवर एप्लीकेशन, डिवाइस कंप्लायंट, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसमें जो हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, बहुत सारी एक्टिविटी है जो हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी ये हमने डिवाइस की पूरी डिटेल्स, आप हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी, एंड्रॉयड ये दिस दिस दिस, सीरियल नंबर ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का 11 समथिंग चल रहा है ना, बिल्ट इन RAM नंबर, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, स्टोरेज भाई बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो चुकी है स्पेस, और ठीक है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इसके थ्रू जब आप डिवाइस को इनरोल कर पाओगे। ध्यान रखना बहुत ही केयरफुली तरीके से करना है क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपके मोबाइल का पूरा डेटा डिलीट कर सकता है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें जो लॉक वाला सिस्टम है कि हम रिमोटली लॉक कर सकते हैं। अभी जैसे ये स्क्रीन मिल रही है हमें, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन रिमोट लॉक, अभी है लॉक पे क्लिक करते हैं, क्या ये लॉक होता है हमारा डिवाइस, रिमोट लॉक इनिशिएटेड, रिमोट लॉक इनिशिएटेड, रिमोट लॉक पेंडिंग, वेट करते हैं अभी, डन, रिमोट लॉक कंप्लीटेड, मीन्स डायरेक्टली आप अपने पोर्टल के थ्रू, इंडियन पोर्टल के थ्रू आप इसको लॉक कर सकते हैं।
आई नीड टू गिव द पासवर्ड अगेन टू ओपन इट. ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन रिमोट लॉक. ओके करेंगे, ये लॉक हो जाएगा, इनिशिएटेड. थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये क्लिक करते रहते हैं, देखते हैं कैसे लॉक होता है. कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग, डन, लॉक. सो ये सभी एक्टिविटी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून इतना पावरफुल टूल है कि आप अपने ऑन प्रमाइसेस डिवाइसेस को अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, रिलेटेड टू द मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग. ये सारी एक्टिविटी जो है हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं. क्लियर? और भी कुछ पार्ट है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है, आई डोंट वॉन्ट टू मिस एनीथिंग. अब बात करते हैं कि यूजर के ऊपर पासवर्ड कैसे लगाते हैं, सॉरी ग्रुप पॉलिसी कैसे लगाते हैं. तो आप देखिए यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी लगाने के लिए एंड्रॉयड, मैक, विंडोज़ पे लगाते हैं पॉलिसी. पॉलिसी लगाने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, अपने जिस भी डिवाइस पे पॉलिसी लगानी या कहीं पे भी चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं. विंडोज़ पे हम आ गए यहाँ पे. विंडोज़ पे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक हियर. कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल वो प्लेस है जहाँ से हम अपने सिस्टम पे पॉलिसी लगाएंगे. दो ऑप्शन है, ADMX पॉलिसी जो आप विंडोज़ सर्वर 2012 ऑन प्रमाइसिस 2016 पे GPU लगाते हैं उसको आप इंपोर्ट करा सकते हैं यहाँ पे. अगर आपने कॉन्फ़िगर किया ऑन प्रमाइसिस सेम पॉलिसी आप चाहते हैं कि जो एंड्रॉयड जो डिवाइस हमने इनरोल की है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पे उसको आप पॉलिसी देना चाहते हैं, तो देन यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. आपको नया क्रिएट करना, चलिए नया क्रिएट कर लेते हैं. प्लेटफॉर्म विंडोज़ 10 है, ठीक है, या लेटेस्ट है. और यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, सेम GPU जैसे ऑन प्रमाइसिस भी GPU होता है ना, एज इट इज GPU आपको यहाँ पर मिल जाएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, बहुत छोटा सा ऑप्शन देखने वाले हैं, और नाम दे देते हैं टेस्ट GPU नेक्स्ट. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई सा भी नाम दे देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप देखिए कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन दोनों ऑप्शन आ गए. कौन सी पॉलिसी आप अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्यूटर यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, कंट्रोल पैनल पे चलते हैं, प्रोहिबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल लॉक करते हैं, इनेबल करेंगे पॉलिसी. अब ये आपका ऑन प्रमाइसिस मशीन में कंट्रोल पैनल ब्लॉक कर देगा, नहीं यूज़ कर पाएंगे. नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट. यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ऑल ग्रुप्स, ऑल यूज़र, ऑल डिवाइसेस. हम यहाँ पे ऑल यूज़र और ऑल डिवाइसेस कर देते हैं, दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट, क्रिएट. आपने यहाँ से पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, एवरीथिंग इज ओके. ठीक है, अब आपका जो ये पॉलिसी क्रिएट किया टेस्ट GPU के नाम से, ये आपके ऑन प्रमाइसिस पे काम करना स्टार्ट कर देगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा. जीरो पॉलिसी, यहाँ पे कोई भी सक्सीडेड नहीं है, एरर आएगा, पॉलिसी अप्लाई होगी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलते ही आप ऑन प्रमाइसिस विंडोज़ 10 पे, जो मशीन हमने क्रिएट कर रखी है ऑन प्रमाइसिस विंडोज 10 पे, अब जब आपके जाके देखेंगे ना, तो वो ये पॉलिसी आपकी ऑन प्रमाइसिस मशीन के लिए अप्लीकेबल हो जाएगी, यानी ये मशीन आपकी टर्न ऑन और प्लस इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, तो एक GPU हमने सीखा यहाँ पे, और अपने अकॉर्डिंग आप मल्टीपल GPU बना सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपने करना है. जितना आप टाइम देंगे उतना बेटर तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे. दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आपको ये क्लास ज्वाइन करने के लिए. प्लीज़ सपोर्ट करिए टीच मी क्लाउड को, हम कोशिश करते रहते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे कॉन्टेंट प्रोवाइड करें. ये कंप्लीट कोर्स हुआ एक बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल के लिए. आने वाले टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पे SCCM का पार्ट आएगा, और SCCM की वीडियो भी हम इन्वॉल्व करेंगे, फुल कोर्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका समय बचे और आप कुछ ना कुछ सीख के जाएं. प्लीज़ सपोर्ट करिए टीच मी क्लाउड को, और हम कोशिश करेंगे आपको इसे जेन्युइन कॉन्टेंट प्रोवाइड करते रहेंगे. आगे अगर आपको लगता है कि और भी कुछ डिस्कस करना है तो आप कमेंट करिए, हम इसका दूसरा पार्ट भी अटैच करेंगे. वैसे इनफ है इतना, अगर स्टार्टिंग कर लीजिए और बाकी हम आगे अटैच करेंगे. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. बाय बाय गाइज़.